के पेपर में 80% क्वेश्चंस स्पीड से उठ के आए, प्रूफ तुम्हारे सामने। साइंस के पेपर में 90% क्वेश्चन इस एक वीडियो से उठ करके आए, एंड प्रूफ तो तुम्हारे सामने ही है। साथ में लाखों लोगों ने इस बात को अप्रूव किया है यार, कमेंट सेक्शन जाके चेक कर सकते हो वीडियोस के। और अब इस वीडियो में हम पूरा का पूरा 90% पेपर एक्सपोज करने वाले हैं तुम्हारे सामने। सोशल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस रहेगा, सब कुछ देखेंगे और डिटेल में आंसर लिखा हुआ है, निमोनिक्स हैं, एडवाइजर्स हैं कि कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, हर एक चीज। तो बस अगर वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो यू शुड बी प्राउड एंड लकी टू योरसेल्फ, एंड ये वीडियो पूरी कंप्लीट करके ही बंद करना। शिक्षा के साथ पढ़ ले, सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, आज देखने वाले हैं सोशल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस, ध्यान से देखना, आई कैन बेट पेपर यहां से उठ के आने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम सिविक्स से। सबसे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल फॉर एकोमोडेटिंग डाइवर्सिटीज। अब बेल्जियम में कई सारी डाइवर्सिटीज थी, हमने देखा था कई सारी अलग कम्युनिटी रह रही थी, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और 1% जर्मन स्पीकिंग भी रह रहे थे। तो क्या ऐसे एकोमोडेशन लाए गए, चेंजेस लाए गए जिससे डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया गया, क्या क्या बेल्जियम मॉडल में एलिमेंट्स थे ऐसे? तो भैया सबसे पहली चीज हम सबको पता है कि बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया था, 4 times। कब? सब 1970 से 1993 के बीच। और उसमें कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स थे, मेजर चेंजेस थे, वो याद करने के लिए ये निमोनिक है अपने पास, मिनिस्टर्स सुधारेंगे ब्रुसेल्स। याद रखना है सिर्फ ये एक लाइन, मिनिस्टर्स सुधारेंगे ब्रुसेल्स। मिनिस्टर्स याद रखना कि एम मिनिस्टर्स इक्वल मिनिस्टर्स, और सुधारेंगे से याद रखना एस से नॉट सबॉर्डिनेट, और बी ब्रुसेल्स याद रखना क्या कि ब्रुसेल्स की एक अपनी सेपरेट गवर्नमेंट थी। देखो याद हो गया मिनिस्टर सुधारेंगे ब्रुसेल्स, इसी पे बेस्ड अपना ऊपर तीनों पॉइंट। देखो फर्स्ट पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल। देखो दोनों लैंग्वेज में कॉन्फ्लिक्ट था तो दोनों लैंग्वेज के इक्वल मिनिस्टर्स रहेंगे, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले इक्वल मिनिस्टर रहने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिससे कोई एक सिंगल कम्युनिटी अपना डिसीजन यूनिलैटरल यानी अकेले ना ले पाए। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, मिनिस्टर सुधारेंगे ब्रुसेल्स, सुधारेंगे से क्या क्या याद करने को मैंने बोला, नॉट सबॉर्डिनेट, कि द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबॉर्डिनेट यानी डिपेंडेंट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी। और थर्ड क्या है, ब्रुसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट, तो ब्रुसेल्स द कैपिटल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, वहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंट है दोनों कम्युनिटी की। और एक पॉइंट और याद कर लेना कि एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी कम्युनिटी गवर्नमेंट नाम से, जो कौन इलेक्ट कर रहा था, विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी। मतलब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ना, ये तीनों कम्युनिटी की अलग अलग थी, फ्रेंच बोलने वालों की फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग, डच बोलने वालों की अलग और जर्मन बोलने वालों की अलग। चलो ये हो गया अपना पहला आंसर कंप्लीट, मिनिस्टर सुधारेंगे ब्रुसेल्स निमोनिक से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, हाउ डिड श्रीलंकन तमिल्स एक्सप्रेस दियर डिसकंटेंट आफ्टर द मेजोरिटेरियन मेजर्स वर अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट इन 1956। देखो थोड़ा सा तुम्हें बैकग्राउंड दे देता हूँ, 1956 में एक एक्ट पास हुआ था ना श्रीलंका में, जिसमें बहुत ज्यादा मेजोरिटेरियन मीजर्स अपनाए गए, यानी ऐसे मीजर्स जो मेजोरिटी को सपोर्ट कर रहे थे सिन्हाला कम्युनिटी को, तो उसके खिलाफ श्रीलंकन तमिल्स ने अपना डिसकंटेंट कैसे शो किया। अच्छा ये याद है कि क्या क्या मीजर्स अपनाए थे, ये याद होना चाहिए कि 1956 में कैसे कैसे सिन्हाला गवर्नमेंट सिन्हाला लैंग्वेज पीपल को ही सपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब्स में, उनको ही प्रीफरेंस दे रहे थे और सिन्हाला कम्युनिटी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, तो उसके खिलाफ श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया वही लिखना है हमें। पहला पॉइंट, श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने अपनी पार्टीज निकाली, स्ट्रगल्स निकाली, इसलिए कि भाई तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह हमें मानना चाहिए। और उन्होंने डिमांड किया इक्वल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी सेल्फ कंट्रोल, इक्वल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हमारा भी कंट्रोल होना चाहिए, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन। जॉब्स एंड एजुकेशन में आप जो सिन्हालीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं मत दीजिए, हमारा भी इक्वल अधिकार होना चाहिए। और पॉइंट 3, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलाम स्टेट। यानी कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने जो एक इंडिपेंडेंट तमिल इलाम को सपोर्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि हमें एक सेपरेट स्टेट दे दो तमिल इलाम, कहाँ पे, नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। देन थर्ड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस क्यों बोलते हैं, बताओ। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है जहाँ पर एक ही लाइन पे, मतलब कि जो भी ऑर्गन्स हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सब हॉरिजॉन्टल लेवल का एग्जांपल है, ठीक है, एक दूसरे को ये लोग चेक कर पाते हैं। जैसे ये ई से क्या हो गया एग्जीक्यूटिव, जे से जुडिशरी, एल से लेजिस्लेटिव,
तो जुडिशरी जो है वो चेक कर सकती है, लेजिस्लेटिव को भी जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट है उसको देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जुडिशरी क्या कर सकती है, लॉ पास कर सकती है जिसको कौन लागू करवाएगा, एग्जीक्यूटिव, एक दूसरे को ये लोग चेक करते हैं आपस में, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस, वही लिख दो एक्सप्लेन करके। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफन रिफर टू एज सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस बिकॉज पॉइंट नंबर वन, इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं एक दो तीन सबकी अपनी अपनी सेम लेवल पे तो होते हैं बट पावर्स डिफरेंट होती है, एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। इट एंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं जाती इस तरह से। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर एज ईच वर्क्स एक्सक्लूसिवली, अरे यार मतलब कि एक दूसरे को चेक करते हैं, कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे एक्सक्लूसिवली वर्क करते हैं, कनेक्ट रहते हैं बट फॉर कॉन्सिक्वेंट एक्शंस, ठीक है। देन फॉर थर्ड पॉइंट, इट इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ये तो भाई ऊपर वाला पॉइंट हो गया तो उसको कट कर दो। थर्ड पॉइंट ये नीचे वाला है जिसको फोर्थ लिखा गया है, कि ईच ऑर्गन चेक्स द अदर एज ईच वर्क एक्सक्लूसिवली बट कनेक्ट्स फॉर कंसिक्वेंट एक्शन, वही अपना पॉइंट हो गया। ये तीन पॉइंट बना करके लिख सकते हो यहाँ से, ये हो गया पहला पॉइंट यहाँ तक, दूसरा पॉइंट इंश्योर से लेकर हो गया और तीसरा ये वाला हो गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर पे, शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कि भाई कि पावर शेयरिंग करने से एक कंट्री ज़्यादा पावरफुल और यूनाइटेड बनती है, इसको जस्टिफाई करो। तो लिख दो जितने भी पावर शेयरिंग के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कि पावर शेयरिंग इंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बाय अपहोल्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल रूल, पीपल रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है क्योंकि पावर जब शेयर होती है नीचे लेवल तक आती है ना, शेयर होते होते जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, फिर ग्राउंड पे कौन सी गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गई, तो इससे क्या होता है कि जो पीपल्स रूल है लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में। सेकंड पॉइंट, पावर शेयरिंग एंश्योर्स दैट ऑल पीपल हैव अ स्टेक इन गवर्नमेंट, वही पॉइंट। फिर इट ऑलवेज ब्रिंग्स बेटर आउटकम, अच्छे आउटकम आते हैं। इट एंश्योर्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है इन डेमोक्रेसी बाय अकोमोडेटिंग डाइवर्स ग्रुप्स। फिफ्थ पॉइंट, इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप्स में जो पॉसिबिलिटी होती है ना कॉन्फ्लिक्ट होने की, लड़ाई झगड़ा होने की, इसको कम कर देता है पावर शेयरिंग। ये सारे हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन ये एक क्वेश्चन समझ लो कॉम्पिटेंसी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कि कंपेयर द डिफरेंट वेज इन विच बेल्जियंस एंड श्रीलंकन्स हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अरे जो बेल्जियम था यहाँ पर भी दिक्कत थी, फ्रेंच डच जर्मन वाले थे, सिन्हाला में भी कई सारे लैंग्वेज के थे, मतलब श्रीलंका में कौन कौन सा लैंग्वेज था, सिन्हाला था, फिर उसके बाद तमिल स्पीकिंग थे, अलग अलग लैंग्वेज थे जहाँ पर दिक्कत थी काफ़ी, बट दोनों ने कैसे अपनी प्रॉब्लम के साथ डील किया वो लिखना है यहाँ पे। तो आंसर स्टार्ट करो, द बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, बेल्जियम ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसका सामना किया। कैसे, पॉइंट नंबर वन, कि दे अमेंडेड दियर कॉन्स्टिट्यूशन फोर टाइम्स टू वर्क आउट एन इनोवेटिव अरेंजमेंट। उन्होंने चार टाइम किया था अमेंडमेंट, उन्होंने ऊपर देखा कि जिससे सब लोग सही से रह पाए, बट और क्या क्या किया था उसमें, वही सब लिखा है कि दैट इज देर वॉज शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डच एंड फ्रेंच बोथ इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन फॉलो किया जिससे सब लोग एक साथ मिलकर रह पाए। बी, दिस हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ एंड डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स, किसके वजह से सिविक स्ट्राइक हो गई, सिविल वॉर हो गई, ये बचा जो श्रीलंका में हो गया था, ठीक है, और कंट्री बटने से बचा लिया लिंग्विस्टिक लाइन्स, मतलब कि लैंग्वेज के बेस पे। सी, ऑन द अदर हैंड, अब अदर हैंड पे श्रीलंका में कुछ उल्टा हो रहा था, द सिन्हालीज हु वर इन मेजोरिटी इन श्रीलंका एज कम्पेयर टू तमिल्स फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। यहाँ पे ये लोग एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं कि सब लोग मिलजुल के रहो, और यहाँ पे बात कर रहे हैं मेजोरिटेरियनिज्म की, कि जो मेजोरिटी है सिन्हालीज लोग उनकी बात सुनो। एंड अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मीजर टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी बाय पासिंग एन एक्ट ऑफ 1956। तो अब इन्हीं मीजर्स की वजह से तमिल्स जो थे, द मीजर्स एलिनेटेड तमिल्स लीडिंग टू सिविक स्ट्राइक बिटवीन दी टू कम्युनिटीज। समझ गए कि क्यों बेल्जियम में सब लोग सही से रह पाए सुखी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे एकोमोडेशन किया गया और वहाँ पे सारे चेंजेस किए गए, इंस्टेंट सिन्हाला लोगों की बात सुन ली गई श्रीलंका में। चलो क्वेश्चन सिक्स देखो क्या है, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म, एक्सप्लेन। देखो ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, PYQ में आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार, कि कितने टाइप के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होते हैं, तो पांच पॉइंट में अगर आंसर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर, पॉइंट नंबर वन, हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिवीजन। सबसे पहला क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिवीजन, जो हमने भी देखा था। अरे यार क्या देखा था, ये हॉरिजॉन्टल पावर एक लाइन पर होता है, मतलब सबकी इक्वल लगभग होती है और सब एक दूसरे को चेक कर पाते हैं, एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव।
वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है. इट इज द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. इन दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट सेम लेवल. ठीक है, सेम लेवल पे होते हैं और डिफरेंट पावर होती है, एक्सरसाइज डिफरेंट पावर. तो सच अ सेपरेशन दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर. अनलिमिटेड पावर कोई नहीं कर सकता और एक दूसरे को चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. फिर वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर क्या होता है? वर्टिकल डिवीजन. वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जहां पे देखो हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल होता है, एक ऊपर एक नीचे फिर उसके नीचे. जैसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट फिर नीचे, और फिर एल कह लो लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, या कम्युनिटी गवर्नमेंट सबसे नीचे वाली. वही समझाया गया, इट अ सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री. एंटायर कंट्री की एक गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट्स एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. फिर रीजनल लेवल की अलग हो गई. जैसे एग्जाम्पल इंडिया में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनसिपलिटी या ग्राम पंचायत. ये हो गई दूसरी. अब तीसरी पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल क्या है? डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. की सोशल ग्रुप्स में कैसे पावर बांटी गई है बताओ. पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स विच डिफर सोशली, लाइक डिफरेंट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप. की डिफरेंट रिलीजियस और लैंग्वेज वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच कैसे पावर बढ़ती है. इस पावर अरेंजमेंट से क्या होता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी एक फेयर शेयर मिलता है पावर में, उनके साथ गलत नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडिया में मिलती हैं, कुछ कुछ जगह रिजर्वेशन मिलता है माइनॉरिटीज को, और कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में. फिर फोर्थ, डिवीजन ऑफ पावर अमंग प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट. कुछ कुछ प्रेशर ग्रुप्स में पावर डिवाइड करना और मूवमेंट्स की बात सुनना. जैसे प्रेशर ग्रुप्स आर फॉर्म्ड व्हेन पीपल विद सिमिलर ओपिनियन गेट टुगेदर. अरे प्रेशर ग्रुप्स यार, जैसे कि एक स्पेशल ग्रुप होता है इसको बोलते हैं स्टूडेंट यूनियन. जैसे एग्जांपल है ABVP, फिर FICCI. ये एग्जांपल हमने देखा था हिस्ट्री में. ये किसका था? ये पूरा कम्युनिटी था किसका? इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का. तो एक सिमिलर टाइप ऑफ लोग जब अपना ग्रुप बना लेते हैं उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एंड FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो ये क्या था? फोर्थ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग. इसमें क्या होता है? एसोसिएशन होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का दैट सीक टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी. कि इनकी बात सुनती है गवर्नमेंट और इनके अकॉर्डिंग भी पॉलिसी बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो तुम्हारा पेपर हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो अब स्टूडेंट यूनियन जब सामने आएगा अपनी बात बोलेगा तब तो गवर्नमेंट सुन पाएगी. तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट. अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? डिवीजन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज. क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज के बीच ही पावर बढ़ जाती है. ये फिफ्थ पॉइंट है. यही एक कोएलिशन गवर्नमेंट का पॉइंट कि अ कोएलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय कोलैबोरेशन ऑफ एटलीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. द यूजुअल रीजन फॉर सच एन अरेंजमेंट इज दैट नो सिंगल पार्टी हैज अचीव्ड द मेजॉरिटी. अचीव्ड क्या क्या लिखना? मेजॉरिटी. मतलब जब कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं अचीव करती है तो कोएलिशन बनता है. मान लो तीन पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं, ABC. इसको मिल गए 40 वोट, इसको मिल गए 10 वोट और इसको मिल गए 30 वोट, और टोटल 50 वोट चाहिए थे गवर्नमेंट बनाने के लिए. तो ये ए और बी कंबाइन कर लेंगे आपस में, 50 हो गया, और मिलकर बना लेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट. ठीक है, समझ गया. तो ये 5 हो गए. एक कंप्लीट बहुत लंबा सा आंसर था, लॉन्ग आंसर, कि कितने फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है. स्क्रीनशॉट यहां पे ले सकते हो. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन कि प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन क्या रहते हैं पावर शेयरिंग के. ये सबसे इजी क्वेश्चन है भाई, प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन वाला. बहुत इजी क्वेश्चन, सबको पता है प्रूडेंशियल रीजन क्या क्या है. कि पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट हट जाता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और मेजॉरिटी का विल अगर हम इम्पोज करते हैं तो शॉर्ट रन में तो ठीक है बट लॉन्ग रन में कंट्री की यूनिटी खराब होती है. और मॉरल रीजन क्या है? कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट. कि जो रह रहा है भाई उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना, तो डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग होनी चाहिए. और थर्ड, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न. कि पीपल का एक से होना चाहिए कि कैसे वो चाहते हैं अपने ऊपर गवर्नमेंट चलना. तो ये हो गया कंप्लीट अपना एक चैप्टर. अगला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. फेडरलिज्म. हाईलाइट 3 मेजर डिस्टिंक्शंस बिटवीन फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग. देखो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में क्या क्या डिफरेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं. तो 3 पॉइंट में लिखना है. पॉइंट नंबर 1, कमिंग टुगेदर इन्वॉल्व्स एग्रीगेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट. देखो क्या होता है, मान लो छोटे 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 स्टेट्स हैं, अब ये सब आपस में मिल करके जब बन जाते हैं इसको बोलते हैं सिटी, कमिंग टुगेदर. अब कोई एक बड़ी पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उसने छोटे छोटे स्टेट्स में या छोटे छोटे रीजन्स में पावर बांट दी, तो इसको बोलते हैं HT, होल्डिंग टुगेदर. ये पावर बांट दी है बट होल्ड कर रही है सबको आपस में, होल्डिंग टुगेदर. ठीक है,
तो कमिंग टुगेदर क्या है, इन्वॉल्व्स द एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन यानी एक्यूमुलेशन, साथ आना, ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन दियर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, वेयर एज होल्डिंग टुगेदर इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम अ लार्ज कंट्री टू इट्स कंस्टिट्यूशन स्टेट एंड सेंटर, जो मैंने अभी समझाया। फिर सेकंड, कमिंग टुगेदर रिटेन्स द आइडेंटिटीज, कमिंग टुगेदर में आइडेंटिटी रिटेन रहती है ऑफ रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट पुल्स टुगेदर इनटू अ न्यू पावर, बट एक नई पावर बनती है। देखो ये कमिंग टुगेदर है, ये ए है, बी है, सी, डी, ई, सबकी आइडेंटिटी है रिटेन, बस जब आपस में मिलते हैं तो एक नई आइडेंटिटी, एक नई क्या बनती है, नई पावर बनती है। उसी तरह होल्डिंग टुगेदर में नई आइडेंटिटीज पैदा होती हैं। अरे यार नहीं समझ पाए, देखो कमिंग टुगेदर में आइडेंटिटी सेम रहेगी, ठीक है, रिटेन्स द आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है ए बी सी डी सब सेम रहेगी, बस ये तो कंबाइन हो गए हैं, बट होल्डिंग टुगेदर में जो पहले था वो नहीं है अब पावर, बट ये अलग अलग नए स्टेट्स बन गए हैं, नए रीजन्स बन गए हैं ना पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो यहाँ पर न्यू आइडेंटिटीज बनती हैं। किसमें याद रखना, बस सिंपल वर्ड में याद रख लो कि कमिंग टुगेदर में सेम आइडेंटिटी रहती है, होल्डिंग टुगेदर गिव्स बर्थ टू न्यू आइडेंटिटीज विद न्यू पावर्स, ठीक है। पॉइंट थ्री पे आ जाओ, आई होप एक भी कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में नहीं है, सिंपल तरीके हैं सब याद करने के। कमिंग टुगेदर में कंस्टिट्यूएंट स्टेट के पास इक्वल पावर होती है, और जितना स्ट्रांग होता है उनका फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उतना स्टेट होता है, बट होल्डिंग टुगेदर में इन इक्वल पावर, अनइक्वल पावर होती है इन द फेडरेशन। जैसे एग्जांपल में यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्या है, कमिंग टुगेदर। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम क्या है, होल्डिंग टुगेदर। अरे मतलब पावर का डिफरेंस, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम पावर है, बट हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर में अलग अलग पावर होती है सबकी, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर रहती है, स्टेट पे कम रहती है, और सबकी अलग अलग पावर होती है स्टेट्स के अंदर भी, समझ गए। ये तीनों स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों पॉइंट लिखने होंगे, कंप्लीट आंसर है। और एग्जांपल जरूर रखना, एग्जांपल से कई बार क्वेश्चन उठता है कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये सारे हैं कमिंग टुगेदर, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम ये सब होल्डिंग टुगेदर। नाउ इंडिया हमने क्या बोला अभी ऊपर, होल्डिंग टुगेदर, तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फेडरेशन एंड वाई, होल्डिंग टुगेदर आता है तो मालूम पड़ गया, बट क्यों। तो नंबर वन पॉइंट, देयर इज वन गवर्नमेंट एट सेंटर फॉर एंटायर कंट्री एंड अदर्स एट रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स एट स्टेट लेवल, यही तो होता है होल्डिंग टुगेदर, कि एक गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी अलग अलग गवर्नमेंट भी हैं स्टेट लेवल पे। फिर दूसरा, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंजॉय इंडिपेंडेंट पावर, ठीक है। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेंड्स टू बी मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू स्टेट, हमने देखा था ना ये थर्ड पॉइंट कि अनइक्वल पावर होती है यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर में, अनइक्वल पावर, ये देखो अनइक्वल पावर, और अनइक्वल पावर होती है यहाँ पे, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, तो इसलिए इंडिया क्या है, होल्डिंग टुगेदर। क्वेश्चन 10, नेम एनी टू सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड कॉन्करेंट लिस्ट, अब ये लिस्ट वाले चीज़ याद रखना, वेरी शॉर्ट में आ सकता है कि कौन से लिस्ट में कैसे कैसे सब्जेक्ट होते हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बताओ, कोई दो बताओ, और कैसे लॉस बनाए जाते हैं। तो नंबर वन, ट्रेड यूनियन, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब कहाँ आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में, और बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस, ठीक है, और दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाती है लॉस कॉन्करेंट लिस्ट के लिए, बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसका अपर हैंड माना जाता है, किसकी बात सुनी जाती है, यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, समझ गए ना, यूनियन गवर्नमेंट की बात सुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन डेमोक्रेटिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच मेड इट अ सक्सेसफुल फेडरेशन, देखो 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 पढ़ो कि डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऐसी कौन कौन सी है जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सक्सेसफुल फेडरेशन बना है। फेडरेशन मतलब क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, मतलब कि टीयर में पावर बटी हो, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, तो कैसे एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फेडरेशन बना है हमारी कंट्री, बताओ। नंबर वन पॉइंट, पावर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन सेपरेटेड, ठीक है सबको पता है भाई सेपरेटेड है। एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल सीट्स, हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, विच प्रिवेंट्स द यूनिलैटरल डिसीजन, कि कोई भी डिसीजन पास होना है, कोई भी अमेंडमेंट होना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में सपोर्ट चाहिए उस चीज़ को, और तो और एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज यूनिलैटरल डिसीजन होंगे, इसलिए इंडिया में नहीं हो पाते यूनिलैटरल डिसीजन, तो अच्छी बात है ये। थर्ड पॉइंट, सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव बीन क्लियरली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू अवॉइड एनी कन्फ्लिक्ट, कि जो सोर्सेस ऑफ इनकम है अलग अलग गवर्नमेंट के अलग लेवल के, वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। फोर्थ, बाउंड्रीज ऑफ सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया वर रिक्रिएटेड टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी, कई सारे बाउंड्रीज रिक्रिएट किए गए थे जिससे कि सारे के सारे हम अलग अलग एकोमोडेशन कर पाए अलग अलग डाइवर्सिटी का, जैसे नागालैंड एग्जाम्पल इसका ये है। एंड फिफ्थ, आफ्टर 1990 के बाद
नेशनल पार्टीज हैड टू अलाय विद कोलिशन गवर्नमेंट्स गिविंग बर्थ टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। ये न्यू कल्चर पावर शेयरिंग का क्या था? कोलिशन गवर्नमेंट। और ये कब पॉसिबल होता है? 1990 के बाद। तो ये सारे पांच पॉइंट हो गए जो दिखाते हैं कि हाँ, इंडिया एक सक्सेसफुल फेडरेशन है। और लगभग यही पॉइंट भी लिख सकते हो तुम जब आएगा कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, उसमें भी यही सब होता है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, लिखा होना चाहिए किसका कितना क्या, यू नो, रेवेन्यू का शेयर है सब कुछ। चलो अगला आता है क्वेश्चन नंबर 12। डिस्क्राइब एनी थ्री स्टेप्स टेकन टू स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। कोई तीन स्टेप बताओ जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या हुई है, स्ट्रेंथन हुई है। कब? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो 1992 में हुआ। तो देखो, फॉलोइंग आर द थ्री स्टेप्स टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। नंबर वन, इट हैज मेड कंपल्सरी टू कंडक्ट रेगुलर इलेक्शन अंडर लोकल गवर्नमेंट बॉडी। कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी में रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। मतलब कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी कौन सी? अरे पंचायत, म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब। फिर रिजर्वेशन होना चाहिए एसटी, एससी और ओबीसी का विथ टू थर्ड सीट्स, दो टू बाई थर्ड सीट रिजर्व होनी चाहिए फॉर वुमेन, ठीक है, इन ऑल लोकल इलेक्शन बॉडीज इंक्रीजिंग दियर सेम डिसीजन मेकिंग, जिससे उनका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होता है। फिर थर्ड, एसईसी यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है स्टेट का, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शन कंडक्ट करवाता है हर स्टेट में, ठीक है। चलो आगे, कमेंट ऑन लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया क्वेश्चन 13 पे आ चुके हैं, वेल डन, 13 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे, बस बने रहना इस लेक्चर में, बीच में छोड़ के नहीं आना है। लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया अगर लिखने को आएगा तो ये पांच पॉइंट्स लिखने होंगे, पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है लैंग्वेज पॉलिसी को। क्या लैंग्वेज पॉलिसी है पढ़ो, आर कॉन्स्टिट्यूशन डजंट ग्रांट द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोचो कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि किसी भी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया। द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स यूनाइटेड द कंट्री एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए थे, जैसे एग्जाम्पल हमने देखा नागालैंड, तो इससे क्या हुआ, यूनिटी बड़ी कंट्री में और एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नमेंट चलाना ईजी हुआ। थर्ड, लीडर्स ऑफ आर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी एज इट वॉज आइडेंटिफाइड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो जो हमारे लीडर्स हैं ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉशियस एटीट्यूड यूज किया है, ठीक है, बहुत सावधानी से हिंदी का स्प्रेड किया है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि वो नहीं है। उसी तरह से द बैनिंग ऑफ यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज इन 1965 टू का वॉयलेंट फॉर्म इन तमिलनाडु। कोई भी लैंग्वेज हम बैन क्यों नहीं करते, क्योंकि जब एक बार इंग्लिश को बैन किया गया था ऑफिशियल पर्पज के लिए, तो 1965 में बहुत बवाल हुआ तमिलनाडु में। और फिफ्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय अग्रिंग टू कंटिन्यू, तो इसलिए कंटिन्यू कर दिया गया था इंग्लिश को हिंदी के साथ फॉर ऑफिशियल पर्पज। मतलब हमारी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बट ऑफिशियल पर्पज के लिए हम दो लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश भी हिंदी भी, क्योंकि मोस्टली साउथ इंडिया इंग्लिश कम्युनिकेट कर लेता है और हिंदी में मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स बातचीत कर लेते हैं, और कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, याद रखना, ठीक है, समझ गए। यह है लैंग्वेज पॉलिसी, और सारी 22 लैंग्वेजेस को हम लोग ने माना है स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाई डू वी नीड इट, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? तो भाई व्हेन द पावर, अरे यार डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वर्ड में मतलब सुना, डिसेंटर मतलब कि जो पावर सेंटर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो स्टेट्स में और लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। अब उसी को इंग्लिश में लिख दो तो डेफिनेशन बन जाती है, तो सही है। बहुत इजी चीज है, व्हेन द पावर फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, इजी। देन अब फॉलोइंग आर थ्री मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड, एक सेकंड, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर बस फोकस करो कि डिसेंट्रलाइजेशन समझ के क्या होता है डेफिनेशन, और वाई डू वी नीड इट, तो क्यों नीड, हमें क्यों चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन। पॉइंट नंबर वन, इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। नंबर टू, ह्यूज नंबर ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल ओनली, क्योंकि लोकल पीपल को अच्छा आइडिया होता है कि कैसे पैसे स्पेंड करने हैं लोकल लेवल पे और कैसे मैनेज करनी है चीजें, इसलिए कई सारे इश्यूज बेस्ट सेटल कहाँ होते हैं, लोकल लेवल पे। तो ये रहा पॉइंट टू, ओके। देखो मैं तुम्हारे लिए क्लियर कर दे रहा हूँ, स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हो कि क्यों हमें डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, ये दोनों पॉइंट लिखने होंगे। चलो अगले चैप्टर पे आ चुके हो, कंग्रेचुलेट योर सेल्फ, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट हो गया है शुरू। यहाँ क्या करना है, आओ देखते हैं। डिफाइन द टर्म्स फैमिली लॉज एंड कम्युनलिज्म। फैमिली लॉ और कम्युनलिज्म क्या होता है?
फैमिली लॉ क्या होते हैं ना, ऐसे लॉ जो फैमिली रिलेटेड मैटर में डील करते हैं, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन एटसेट्रा। और कम्युनलिज्म एक ऐसी बिलीफ है जिसमें एक रिलीजन को दूसरे से सुपीरियर मानते हैं और ये भी मानते हैं कि एक रिलीजन का क्या होना चाहिए, डोमिनेशन होना चाहिए दूसरे रिलीजन ग्रुप के अदर ऊपर, ठीक है चलो। और ऐसा भी मानते हैं कम्युनलिस्ट लोग कि एक कंट्री में एक ही रिलीजन के लोग रह सकते हैं, ये पूरी डेफिनेशन पढ़ लो। देन क्वेश्चन नंबर 16, सजेस्ट एनी थ्री मेजर्स टू एनहेंस द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में वुमेन पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पॉइंट वन, वुमेन शुड बी एजुकेटेड, सबसे पहले उनको पढ़ा लिखा बनाओ और उनके राइट्स और ड्यूटीज के बारे में जानकारी दो, ठीक है। नंबर टू, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। अब ये कौन सा एक्ट है भैया, मतलब कि इक्वल रिम्यूनरेशन मतलब होता है इक्वल पैसे मिलने चाहिए इक्वल काम के, बट ऐसा होता नहीं है। सारे कोई भी फील्ड हो वहां पर क्या होता है कि मैन को ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। अब थर्ड, इट शुड बी लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इलेक्टेड बॉडीज, लीगल बाइंडिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे वुमेन को एक फेयर प्रोपोर्शन मिले, जैसे कि एक रिजर्वेशन हो, जैसे वन थर्ड अभी रिजर्वेशन रिसेंटली पास हुआ जाकर के राज्यसभा में, है ना। तो ये सारे अपने पॉइंट्स हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैव बीन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन फॉर इंडिया। देखो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन मिलता है हमारे पास, यानी इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं बताओ। तो नंबर वन, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 वाज पास्ड टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन, मतलब कि इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए इक्वल काम की। और 1992 में रिजर्वेशन किया गया वन थर्ड सीट्स का लोकल गवर्नमेंट में, जैसे पंचायती राज वगैरह में। और थर्ड, रिसेंटली इन मार्च 2010 अभी रिसेंटली जो हुआ, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ राज्यसभा के अंदर, जिससे 1/3 सीट्स सारे वुमेन के लिए रिजर्व हो गई है लोकसभा में, ठीक है चलो। लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बट लैब्स इन लोकसभा, एक सेकेंड ये कट कर दो, ये मिस प्रिंट है, ठीक है यहां तक, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ गए। ये तीन पॉइंट हो गया कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन फ्री इंडिया में कैसे हो सकता है, किस किस चीजों के थ्रू हुआ है। तो पहला इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, दूसरा 1992 का रिजर्वेशन, और अभी रिसेंटली जो मार्च 2010 में हुआ, एक सेकेंड मार्च 2024 की बात हो रही है, अभी रिसेंट जो हुआ था, ठीक है चलो। आ जाओ क्वेश्चन 18, व्हाट इज अ सेकुलर स्टेट, एक्सप्लेन फैक्टर्स व्हिच मेक्स इंडिया सेकुलर स्टेट। इंडिया सेकुलर स्टेट क्यों है, अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आजादी देता है, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करो या फिर कोई भी मत करो, तुम एथेइस्ट भी बन सकते हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से हक है तुम्हें मिलता। और कोई ऑफिशियल रिलीजन हमारा नहीं है, जैसे बुद्धिज्म का था श्रीलंका में। फिर थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि स्टेट इंटरवीन कर सकता है मैटर ऑफ रिलीजन में, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो स्टेट पावर पुलिस एंटर कर सकती है, ठीक है, जैसे अनटचेबिलिटी अगर हो रही तुम्हारे साथ तो कानून है प्रॉपर जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिर क्वेश्चन 19, वही उसी पर बेस्ड है कि अगर कोई पॉलिटिशियन रिलीजियस ग्राउंड पे तुमसे वोट मांग रहा है तो क्या ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, एक्सप्लेन करो। तो मतलब ये बिल्कुल समझ लो ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। और यही मैंने यहाँ पे लिखा है फ्री एडवाइस में कि देखो मेरी पढ़ ले गैंग, इस आंसर के पॉइंट पिछले आंसर से मैचिंग है बट डिफरेंस क्वेश्चन फ्रेमिंग में है, और ऐसा सोशल साइंस में कई बार होता है, ठीक है। देखो ये जो है, ये अभी जस्ट हमने जो यहाँ पे देखा लगभग यही पॉइंट हमें नीचे लिखने हैं, बस थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके, क्योंकि क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज है, सोशल साइंस में ये सब कई बार होता है। तो प्लीज पॉइंट जो भी रहे, 3.5 पॉइंट अच्छे से याद रखना। हिज एक्ट इज अगेंस्ट द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन एंड सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है क्योंकि वो रिलीजियस ग्राउंड के बीच है, इस पे मांग रहा है वो पॉलिटिशियन। फिर रिलीजन बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन इट इज एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स, रिलीजन को कभी पॉलिटिक्स में नहीं कंबाइन करना चाहिए, ठीक है। थर्ड, ही इज अ पॉलिटिशियन सो ही मे मिस यूज द स्टेट पावर टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर अदर, इट लीड्स टू कम्युनल पॉलिटिक्स। अगर वो रिलीजन के बेस पे वोट मांग रहा है और जीतने के बाद उसी रिलीजन को सिर्फ सपोर्ट करे तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स में हो जाएगा, जो कि कंट्री के लिए सही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, कास्ट सर्वेस टू बी लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस एज इज एविडेंट फ्रॉम नेशनल सैंपल सर्वे। अब ये स्टेटमेंट को एग्जामिन करो, यानी कि देखो ये सच है नहीं है। बोला जा रहा है कि कास्ट कंटिन्यूज टू बी लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब कास्ट और इकोनॉमी पैसा आपस में लिंक्ड है। कैसे, जो अपर कास्ट है वो आज भी बहुत अमीर है, क्या ये बात सच है? हाँ, ये एविडेंट है, ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है नेशनल सैंपल सर्वे जो हुआ था। अब इसी बात को एक्सप्लेन करो, तो तीन पॉइंट लिखने होंगे, जो तुम अपने आसपास रियलिटी देख रहे हो वही लिखना है। पॉइंट नंबर वन, कि एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा होता है
जो ओल्ड हायरार्की के अकॉर्डिंग अपर कास्ट थी ना उनका, बल्कि जो बेचारे छोटे हैं जैसे दलित और आदिवासी, वो बहुत पिछड़े हैं अभी भी उनका कंडीशन, इकोनॉमिक स्टेटस बहुत खराब है। सेकेंड, ऑल्दो एवरी कास्ट हैज सम पुअर मेंबर, अब ऐसा नहीं है कि सारे जो अपर कास्ट हैं सब अमीर हैं, हर कास्ट में पुअर मेंबर्स होते हैं, बट द प्रोपोर्शन ऑफ दोस लिविंग इन एक्सट्रीमली पुअर्टी इज हायर फॉर लोअर कास्ट, बट प्रोपोर्शन आज भी किसमें ज्यादा है, परसेंटेज किसमें ज्यादा है, लोअर कास्ट का ही ज्यादा है। ठीक है, देन सिमिलरली एवरी कास्ट हैज सम रिच मेंबर, सब कास्ट में रिच मेंबर भी होते हैं, ठीक है ये भी सही है, बट अपर कास्ट का बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन है, रिप्रेजेंटेशन है रिच में, बल्कि लोअर कास्ट का अंडर रिप्रेजेंटेशन है, यानी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं है। इवन दो SST एंड OBC टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन में 2/3 SST OBC ही है, बट रिप्रेजेंटेशन रिच मेंबर्स में बहुत कम है कंट्री के। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। अब ये कहना कितना सही है, ये स्टेटमेंट कितना सही है कि इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिलेटेड, बट इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज, मतलब पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट के झपेटे में नहीं आ रही है, इंस्टेड जो कास्ट है वो बेचारी पॉलिटिक्स के झपेटे में फंस जा रही है, मतलब कास्ट फंस जा रही है पॉलिटिक्स के चक्कर में। कैसे, पढ़ो। नंबर वन, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बी बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट्स नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट, हर कास्ट ट्राई करता है कि अगल बगल की जो सब कास्ट है उन सबको लेकर के एक बड़ा कास्ट ग्रुप बनाया जाए। अब अलग अलग जो कास्ट ग्रुप हैं वो एक कोलिशन में आते हैं इस तरह से अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी के साथ, ठीक है। फिर न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन पॉलिटिकल एरिना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट, पॉलिटिकल एरिना में बैकवर्ड कास्ट को जो बोला जाता है, फॉरवर्ड कास्ट, अलग अलग कास्ट ग्रुप आ गए इसके अंदर, मतलब ओबीसी अगर हम बोल रहे हैं ना, बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इसके अंदर कई सारी नई क्लासेस और कास्ट भी आती रहती हैं। फिर फोर, कास्ट प्लेस डिफरेंट काइंड ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स, इन सम केसेस पॉलिटिक्स अलाउ मैनी डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज टू बिकम टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर, क्या होता है पॉलिटिक्स अलाउ करती है कई बार बेचारी पिछड़ी कम्युनिटीज को कि अपनी डिमांड रख सकें। उसी तरह पॉलिटिक्स हैज हेल्प्ड पीपल फ्रॉम ओबीसी एंड दलित कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिक्स की वजह से पिछड़े जातियों को भी हक मिला है कि वो अपना डिसीजन मेकिंग में हिस्सा दे सकती हैं। बट समटाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन, बट ये चीज ठीक है, बट समटाइम्स अगर सिर्फ हम एक्सक्लूसिव अटेंशन सिर्फ कास्ट को देते रहें तो एक बहुत निगेटिव रिजल्ट निकलता है, जैसे टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, कास्ट के वजह से लोग डिवाइड होते हैं। समझ गए ये चीज, चलो ये पांचों पॉइंट नोटिस कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अपना चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, तो भैया पहला ही क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, वो लोग जो हमें बेवकूफ बनाते हैं, नहीं, अरे डेफिनेशन तो कुछ और है, वो तो रियलिटी हो गई। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, क्या ऐसे लोग जो एक साथ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और पावर होल्ड करने के लिए गवर्नमेंट में, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज टू प्रमोट कलेक्टिव गुड, ठीक है ये एग्री करते हैं आपस में कुछ पॉलिसीज में, एंड दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन, कुछ पॉलिसी जो बताते हैं उसके बेस पे वोट मांगते हैं, और फिर दस पॉलिटिकल पार्टीज टेंड टू फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। फिर क्या क्या कंपोनेंट होता है पॉलिटिकल पार्टी में, याद रखना तीन कंपोनेंट होता है, लीडर, एक्टिव मेंबर, फॉलोअर, देखो तीन कंपोनेंट, सबसे पहले लीडर, फिर एक्टिव मेंबर जो हो गए, और फिर नीचे सबसे बेचारे होते हैं फॉलोअर जो उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है तीन मेंबर हो गए, तीन कंपोनेंट हो गए। तो अब तीनों के बारे में लिख दो कुछ पॉइंट लिखना जरूरी है, ठीक है आओ देखते हैं क्या। नंबर वन, द लीडर्स आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन बाय पार्टीज, की पार्टीज ही चूज करती हैं कि हमारा लीडर कौन होगा, उसको ट्रेन करती हैं, दे आर मेड मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट, उनको मिनिस्टर बनाते हैं जैसे सीएम वीएम बनाते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए। फिर पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ओवर द कंट्री, यह तो हो गया अपना पहला कंपोनेंट लीडर। फिर एक्टिव मेंबर क्या है, एक्टिव मेंबर क्या है ये, अरे भाई पार्टीज में सिर्फ लीडर थोड़े होते हैं, कई सारे लाख्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, पूरी कंट्री में फैले होते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फिर द फॉलोअर्स, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, बहुत रियल पॉइंट है, अपने आसपास देख सकते हो कि मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप, कई सारे प्रेशर ग्रुप एक्सटेंशन होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे ABVP जो है उसको एलिजिबली माना जाता है कि बीजेपी से एसोसिएटेड है, उसी तरह NSUT जो है वो किससे है, वो कांग्रेस एसोसिएटेड है, इस तरह, ठीक है, NSUI है ना, तो इस तरह के इनके एक्सटेंशन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, कई सारे मेंबर फैले होते हैं पूरे 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 कंट्री में। द फॉलोअर्स आर ऑर्डिनरी सिटीजन, अब जो फॉलोअर है ये तो चलो स्पेशल लोग हैं, बट जो फॉलोअर है ना वो जो नीचे वाला ग्रुप है जो मैंने दिखाया था यहाँ पे, ये बेचारा नीचे वाला ग्रुप, ये हमेशा एक ऑर्डिनरी सिटीजन होता है जो बिलीव करता है उनकी पॉलिसीज में और उनको सपोर्ट देता है इलेक्शन में, ठीक है। चलो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, क्वेश्चन 24 पे आ चुके हैं हम लोग,
What is a multi-party system? Let's go. Why has India adopted a multi-party system? और इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया मल्टीपार्टी सिस्टम? अरे अगर एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक होता है सिंगल पार्टी सिस्टम, जहां सिर्फ एक ही पार्टी होती है पूरे कंट्री में, वही रूल कर रही है हमेशा। एक होता है टू पार्टी, कि सिर्फ दो ही पार्टी है, इलेक्शन दो ही में हो रहा है। और एक होता है मल्टी पार्टी, जहां कई सारी पार्टीज इलेक्शन आपस में कर रही है, जैसे हमारे नेशन में। तो अब इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों चूज किया है? पहले देखो मल्टी पार्टी सिस्टम है क्या। इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिशन। क्या होता है कि यहां पर कोलिशन में आती कई सारी पार्टीज और तब गवर्नमेंट बनती है। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड टू कंटेस्ट इलेक्शन इन पावर, इट इज कॉल्ड अलायंस और अ फ्रंट। इसको अलायंस बोलते हैं या एक फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली INDIA अलायंस बना है, जिसमें कई सारे लोग हैं, कई सारी पार्टीज हैं, है ना। फिर अब एग्जांपल अगर पुराने जमाने का देखें या अभी भी है वो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर वर थ्री मेजर अलायंस। 2004 के समय में तीन मेजर अलायंस थे, NDA, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, UPA, और एक लेफ्ट फ्रंट था। तो अब इससे क्या होता है, जो अलायंस वगैरह बनते हैं अलग अलग सिस्टम, इससे ये होता है, दिस सिस्टम ऑन द वन हैंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इससे कभी कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, बट एट द सेम टाइम अलाउज फॉर अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, जब अलग अलग टाइप के लोग एक साथ एसोसिएट होंगे, अलायंस बनाएंगे, तो अलग अलग जो व्यूज हैं उनको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज सुटेबल फॉर इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। हर कंट्री का अपना अपना पार्टी सिस्टम है। इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? क्योंकि हमारा इंडिया भाई सोशली और ज्योग्राफिकली बहुत डाइवर्स है। डाइवर्सिटी यूनिटी का एग्जाम्पल है। इतना सारा डाइवर्स है हमारा कंट्री कि यहाँ पर कोई दो या तीन पार्टी सारी डाइवर्सिटी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, सबकी मांगे नहीं पूरी कर पाएगी, इसलिए इतनी अलग अलग पार्टीज हैं, मल्टी पार्टी है। दस सच रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेंथस डेमोक्रेसी। मल्टी पार्टी सिस्टम फैसिलिटेट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीजनल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इन इंडिया सेवरल रीजनल पार्टी आर देयर, कई सारी रीजनल पार्टी है, जैसे स्टेट लेवल पे DMK है तमिलनाडु में और BJD है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टीज इन इंडिया। मतलब कि नेशनल पार्टी कहलाने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, बट उसके पहले जान लो नेशनल पार्टी होती क्या है। तो नेशनल पार्टीज आर दोस पार्टीज विच आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन की जितनी भी यूनिट है, जैसे क्या क्या फेडरेशन की, अरे फेडरेशन में क्या क्या होता है, सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, लोकल हो गया। तो जो पार्टी की सेंटर में भी सरकार हो, स्टेट में भी हो, लोकल में भी सरकार हो, वो पार्टी क्या है, नेशनल पार्टी। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज नोन एज नेशनल पार्टी, दे हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिट है। बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज। सारे जो यूनिट है, चाहे वो सेंटर वाले हो, स्टेट वाले हो, लोकल वाले हो, सब लोग सेम पॉलिसी फॉलो करते हैं, सेम प्रोग्राम और सेम स्ट्रेटजी जो डिसाइड किया थी नेशनल लेवल पे। और एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है नेशनल पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अब एक क्या है, नेशनल पार्टी कहलाती है। क्यों कहलाती है, वही कंडीशन देखते हैं। तो एक पार्टी के पास एटलीस्ट द पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट। मतलब कि या तो उस पार्टी के पास 6% टोटल वोट का होना चाहिए जनरल इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें, लोकसभा के इलेक्शन में, या फिर दूसरी कंडीशन कि असेंबली इलेक्शन जीत के आए 4 स्टेट्स का। जैसे आम आदमी पार्टी अब क्यों कहने लग गई 2023 में, क्योंकि 4 स्टेट्स वो जीत चुकी है, दिल्ली, पंजाब, गोवा और एक और स्टेट, ठीक है, दिल्ली, पंजाब, गोवा और एक और स्टेट वो जीत के आए हैं, इसलिए उनको क्या कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है अब नेशनल पार्टी। फिर एक और कंडीशन क्या है कि अ पार्टी दैट विंस एट लीस्ट 4 स्टेट्स इन दी सॉरी 4 सीट्स इन दी लोकसभा, या तो वो 4 सीट ले ले किसमें, लोकसभा में, तो वो कहलाएगी एक नेशनल पार्टी। फिर क्वेश्चन 26, हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल पार्टी। अब देखो नेशनल पार्टी के लिए कंडीशन हमने देख ली, रीजनल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज होती है, एग्जाम्पल साथ लिखो। तो रीजनल पार्टी इज अ पार्टी दैट इज प्रेजेंट इन ओनली सम स्टेट, जो सिर्फ सम स्टेट्स पे हो, नेशनल लेवल पे ना हो। रीजनल पार्टी और स्टेट पार्टी नीड नॉट बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी में रीजनल ना हो ये नेसेसरी नहीं है कि रीजनल आइडियोलॉजी क्यों नहीं चाहिए, बस प्रेजेंस रीजनल है। दे हैव स्टेट आइडेंटिटी एज दे आर रिप्रेजेंट ओनली इन सम स्टेट्स। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडियन पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सेसेड ओनली इन स्टेट्स। मतलब कुछ पार्टीज में ऐसी हैं जो यानी कि सिर्फ स्टेट और लैंग्वेज पे बेस पे हैं ये सारी रीजनल पार्टी, जैसे कि तमिलनाडु वगैरह में। इंस्टेड कुछ पार्टी ऐसी हैं जो ऑल इंडिया पार्टी, सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सेसेड ओनली स्टेट। ऑल इंडिया पार्टी समझ लो तरीके से हैं, बट कुछ कुछ स्टेट में ही सक्सेसफुल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी यूपी में और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन क्या बताओ,
सबसे पहली, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% टोटल वोट होना चाहिए इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है उसमें एटलीस्ट 6% टोटल वोट होना चाहिए, और दूसरा कि विन एटलीस्ट 2 seats इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, एटलीस्ट 2 seats जीत लो लेजिस्लेटिव असेंबली में, दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फुलफिल करो और बन जाओ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। अब क्वेश्चन 27, कुछ ना प्रॉब्लम और चैलेंज होती है पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे डायनेस्टिक सक्सेशन एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, इसको एनालाइज करो। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब क्या हो गया कि एक राजा बना, अरे मतलब राजा मतलब कि पॉलिटिक्स की भाषा में प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बना, और फिर प्रधानमंत्री के ही जो बेटे बेटे उनकी फैमिली जो चली आ रही है फिर वो बन जा रही है सीएम, फिर उसकी फैमिली बन जा रही है कुछ और, तो ये कहला गया डायनेस्टिक सक्सेशन। जैसे द गिवन स्टेटमेंट इज एनालाइज्ड एज फॉलोज, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि इज अ वेरी सीरियस चैलेंज। कैसे, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, सब पॉलिटिकल पार्टीज यार क्या ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं फॉलो करती हैं कि अंदर क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, तो बहुत कम ही तरीका है एक ऑर्डिनरी वर्कर को जानने का कि भाई ऑर्डिनरी वर्कर को एक टॉप लेवल पे पहुंचने का बहुत कम तरीका है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि पार्टी में हो क्या रहा है, ठीक है, सिर्फ टॉप के रिलेटेड डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। उसी तरह सेकंड पॉइंट, दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स आर इन द पोजीशन ऑफ एन अनफेयर एडवांटेज, जो लीडर होते हैं ना उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज होती है, क्यों, एज दे फेवर पीपल क्लोज टू देम इवन दियर फैमिली मेंबर, क्योंकि वो उन लोगों को फेवर करते हैं जो उनके काफी क्लोज होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आरोप लगा था प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो कुछ बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं जो उनसे क्लोज हैं, और कुछ दूसरी अपोजिशन पार्टी पर आरोप लगता है कि वो अपने फैमिली मेंबर को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर थर्ड, इन मैनी पार्टीज इन इंडिया वी सी अ ट्रेंड ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन का ट्रेंड देखने मिलता है, द टॉप पोजिशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली विच इज अनफेयर टू द अदर मेंबर ऑफ पार्टी एंड बैड फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पे जनाब, और अब बहुत अच्छी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, भाई ये इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि कैसे इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी पार्टी आप हैं आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के साथ। दूसरा, वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, कमीशन सारी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है, बट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी, बड़ी पार्टीज को कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं। फिर थर्ड पॉइंट, दिस पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, उनको यूनिक सिंबल मिलता है, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल, सिर्फ ऑफिशियल कैंडिडेट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि बीजेपी को अपना लोटस का मिला है, कांग्रेस को हाथ का मिला है, आम आदमी पार्टी को झाड़ू का। फिर पार्टीज दैट गेट्स दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज, ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, ये सारी फैसिलिटीज इनको मिलती है ना, उसको बोला जाता है रिकॉग्नाइज पार्टीज, क्योंकि कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है इनको, इलेक्शन कमीशन, रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। फिफ्थ पॉइंट, द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी अ रिकॉग्नाइज पार्टी। अब वही अपने ऊपर ऑलरेडी देख लिया कि क्या क्राइटेरिया है, कितने प्रोपोर्शन ऑफ वोट और सीट चाहिए होता है। चलो, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसर्स एन, यही एक क्वेश्चन इससे हर बार आता ही है कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूसर्स एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, तो स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड एज फॉलोज, 3 पॉइंट लिखना है तीनों वर्ड के ऊपर, कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रूलर्स एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन। क्या एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास राइट होता है रूलर्स को इलेक्ट करने का और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का, दैट इफेक्ट्स देम ऑल, और वो डिसीजन उन सबको इफेक्ट करता है। द गवर्नमेंट दस इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, मतलब गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए। ठीक है, जो भी डिसीजन वो ले रही है उसको वो एक्सप्लेन करने लायक होनी चाहिए कि अकाउंटेबल रहे अपने सिटीजन से, ठीक है, और रिस्पॉन्सिव रहे उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन के प्रति। क्वेश्चन 2, पार्ट 2, पॉइंट 2, क्या लिखा है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, मतलब डेमोक्रेसी डेलिबरेशन और नेगोशिएशन पे बेस्ड है, यानी डिस्कशन वगैरह पे बेस्ड है। ठीक है, और आगे, थ्रू दो इट रिजल्ट्स इन डिलेज, डिले वगैरह होता है इस वजह से कि काफी ज्यादा बहस हो रही है, एक ही लॉ पास करने में कुछ हो रहा है, इससे डिले होता है, बट इससे होता क्या है, डिसीजन मेकिंग कुछ नॉर्म्स और प्रोसीजर पे बेस्ड होते हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ट्रांसपेरेंसी यानी कि क्या हो रहा है कंट्री के अंदर, हर एक सिटीजन को मालूम होता है लोकसभा में किस चीज पे बहस चल रही है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, हर एक चीज। डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, इससे गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है। और थर्ड पॉइंट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट,
कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिव और क्लीन, बट इट्स पीपल गवर्नमेंट। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। अब देखो, कई लोग जो भी रूलिंग पार्टी को गाली देंगे, सब कुछ करेंगे, बट वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि उनको पीपल, लोगों ने ही चूज किया है। अब चाहे वो उनको चाहे जितनी गाली दें, ठीक है। ये हो गया 3 पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30। क्या डेमोक्रेसी एक पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ देती है सिटीजन को? तो बताओ, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहां पर देख के इजिली लिख सकते हो, तीनों पॉइंट यहां पर रीड कर लो कि भाई डेमोक्रेसी कैसे एक पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ देती है, ठीक है। देन क्वेश्चन 31, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। याद रखना, एक होता है डेमोक्रेसी, ये तो हम सबको पता है, और एक होता है डिक्टेटरशिप, जहां पे राजा रूल करते हैं। तो डिक्टेटरशिप वाले में इकोनॉमी अच्छे तरीके से चलती है, बेटर तरीके से परफॉर्म करती है डेमोक्रेसी से, इसीलिए यहां पे क्वेश्चन पूछा गया। तो डेमोक्रेसी लैग्स बिहाइंड डिक्टेटरशिप व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी वाइडेंस द डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। डेमोक्रेसी में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, तो इंस्टेड ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट, रिच और पुअर के बीच अंतर बढ़ जाता है। अमीर जो है वो और अमीर हो रहा है, और गरीब जो है वो और गरीब होता जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। और हाउ एवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल। बट फिर भी जो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर अगर रेट देखा जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो जो लेस डेवलप्ड कंट्री हैं जिनके पास डिक्टेटरशिप है, उनका डेमोक्रेसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उनका और डेमोक्रेसी का ज़्यादा डिफरेंस अभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेट में नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो खत्म कर दिया हमने पूरा पॉलिटिकल साइंस, पूरा सिविक्स कर दिया, स्वाहा। आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पे, विच इज हिस्ट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और सबसे पहला ही क्वेश्चन जो बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने जो पूरा कंप्लीट करा रखा है, पूरा वन शॉट वन बुक, एक बुक एक वीडियो में, जैसे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, ये सब अगर देख लेते हो ना, तो ये क्वेश्चन करने बहुत ईजी हो जाएंगे। हमने पूरी बुक कंप्लीट करवा दी है उसमें एक एक कॉर्नर, तो जाकर 2x पे चला के देख लेना अगर टाइम है। मेरिट्स क्या है सिविल कोड के? अरे कौन लाया था सिविल कोड पहले, ये तो जान लो, नेपोलियन दादा लेकर आए थे सिविल कोड 1804 में। इसके मेरिट से कहते हैं, अच्छाई क्या थी कि देखो, इसने सारे के सारे जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेज थे इनको हटा दिया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ ला दिया, सिक्योर्ड द प्रॉपर्टी टू राइट, यानी प्रॉपर्टी राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको लिखो, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी अब कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। एंड इट इज अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया गया, एंड ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इंप्रूव कर दिया गया था। अब डीमेरिट्स क्या थे कि भाई टैक्सेशन बहुत बढ़ गया, सेंसरशिप लग गई थी कि जो चाहेंगे वो लोग वही तुम बोल सकते हो, और फोर्स कंस्क्रिप्शन चालू हो गया, मतलब कि बेवजह लोगों को फ्रेंच आर्मीज में भर रहे थे ताकि एक आर्मी बहुत बड़ी सी बन जाए, ठीक है, जिससे वो पूरा यूरोप पे कॉन्कर कर सके। और इट डिड नॉट ग्रांट यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज नहीं मिली थी। सफरेज मीन्स क्या होता है? वोटिंग राइट्स, सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिला था अब भी, और वुमेन का स्टेटस माइनॉर स्टेटस पे लाके इन्होंने गिरा दिया था, ठीक है। तो ये मेरिट्स होगा, ये डीमेरिट्स होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, 3 मार्कर में आएगा तो 3 मेरिट 3 डीमेरिट, 5 मार्कर में आया तो 5 मेरिट 5 डीमेरिट लिख देना। नेक्स्ट, डिफाइन रोमांटिसिज्म विद सूटेबल एग्जांपल्स, लेट्स गो। बट जो तुम ये सोच रहे हो ना, ये वो वाला रोमांटिसिज्म नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं, ये थोड़ा कुछ और चीज है भाई। ये है कल्चरल मूवमेंट, रोमांटिसिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट दैट सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, मतलब एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिससे नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, नेशनलिज्म को बढ़ाया जाए। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट जो होते थे वो क्रिटिसाइज करते थे किसका? ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, मतलब कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे ना, वो साइंस वाइंस पर बिलीव नहीं करते थे और रीजन रीजन पर बिलीव नहीं करते थे, इसको क्रिटिसाइज करते थे इंस्टेड, एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, ऑल व्हाट यू टॉक अबाउट ऑन योर इंस्टाग्राम चैट्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है ये रोमांटिक आर्टिस्ट का? जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है, जो इतने समय तक थे, और क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर, इनका मानना था कि ट्रू जर्मन कल्चर तभी आ सकता है लोगों में जब अमंग द कॉमन पीपल, ठीक है, ट्रू जर्मन कल्चर तभी आएगा जब रोमांटिसिज्म फैलेगा। और उसी तरीके से अगला एग्जांपल है कारोल कुरुपिंस्की का, जो नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करते थे अपने ओपरास से और म्यूजिक से, फोक डांसर्स वगैरह से, ठीक है। दो एग्जाम्पल लिख देना, बस सिंपल सा लिख सकते हो कि द एग्जाम्पल्स वर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर एंड कारोल कुरुपिंस्की। देन Elaborate German unification, मतलब जर्मनी जर्मनी बना कैसे, कैसे बना जर्मनी, बताओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के। तो जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ था?
ओटो वॉन बिस्मार्क 5 मार्क्स में आएगा, याद रखना। ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन एंड द फॉलोइंग पॉइंट जस्टिफाई द सेम। कि मेन आर्किटेक्ट, मेन हीरो कौन था जर्मन यूनिफिकेशन का? ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, अब पॉइंट वन स्टार्ट करते हैं कि प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। प्रशिया ने जिम्मेदारी ले ली थी नेशनल यूनिफिकेशन वही कराएंगे। फिर दूसरा पॉइंट, अब जिम्मेदारी प्रशिया ने ली है तो कौन लेगा? उनके जो चीफ मिनिस्टर है, कौन? यही मेन हीरो। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से प्रोसेस हुआ था? प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। फिर थर्ड पॉइंट में तीन आ रहा है, याद रखना इस चीज से। थर्ड पॉइंट इज थ्री वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, कि तीन वॉर्स लड़ी गई थी 7 साल तक, 7 ईयर्स। ठीक है, थ्री वॉर्स ओवर 7 ईयर्स किसके साथ लड़ी गई? डी ए एफ के साथ, दफ के साथ। डी से डेनमार्क, ए से ऑस्ट्रिया, एफ से फ्रांस, और एंडिंग ये हुई कि प्रशिया ये वॉर जीत जाता है। ठीक है, और कंप्लीट करता है यूनिफिकेशन का प्रोसेस। तो फोर्थ अपना पॉइंट है कि इन जनवरी 1871 प्रशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट, कहां पे सेरेमनी हुई थी? वर्सेलेस, यानी वर्सेलेस में ये सेरेमनी हुई, और राजा किसको बनाया गया? किंग विलियम वन। फुल नेम क्या था? केसर विलियम वन। ठीक है, वही लिखा हुआ है नीचे भी, वही पॉइंट है कि सही सारे पोजिशन मिनिस्टर अवेलेबल थे, जैसे चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क वगैरह सब लोग थे, और हॉल ऑफ मिरर्स में किसको? अपने न्यू जर्मन एम्पायर को, केसर विलियम वन को बनाते हैं किंग ऑफ प्रशिया। तो इस तरह से क्या बना? जर्मनी जर्मनी बना, जर्मन यूनिफिकेशन हुआ। ये पांचवा पॉइंट का स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन 35 है कि हाउ डिड ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल जो 1832 में साइन की गई, उसके वजह से ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन कैसे बन गया? तो पॉइंट नंबर वन, पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। वन मार्कर में आएगा कि वॉट वॉज कंसिडर्ड एज क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो ग्रीस मार्क करना। ठीक है, अब एंड मोबिलाइज्ड इन ग्रीस टू गेट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड फ्रॉम वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। मतलब पोएट और आर्टिस्ट बड़ा मोबिलाइज कर रहे थे फीलिंग्स ग्रीस के प्रति। फिर सेकेंड, इंग्लिश पोएट ऑर्गेनाइज फंड। इंग्लिश पोएट कौन? लॉर्ड बायरन। क्या नाम था उनका, याद रख लेना, लॉर्ड बायरन। ये एक इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने फंड वगैरह इकट्ठा किया, बट फाइनली फीवर से मर गए। फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल 1832 में, ये अपना थर्ड पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से थर्ड पॉइंट थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइन होता है जिससे रिकॉग्नाइज होता है कि ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 36, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब देखो, जैसे हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा, वैसे ही इटली का भी यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि इटली कैसे बना, कैसे बना बताओ। स्टार्ट करते हैं, द फॉलोइंग पॉइंट एक्सप्लेन द सेम। पॉइंट नंबर वन, इन द मिड 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट रूल्ड बाय डिफरेंट पावर। मिड 19 में 7 स्टेट्स थे, अलग अलग पावर रूल करती थी। अब गिउसेप्पे मज़िनी फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली विद अ प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिकन। मतलब यहाँ पे गिउसेप्पे मज़िनी नाम का एक आदमी आता है जो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करता है यंग इटली नाम की। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, किंग विक्टर इमैनुअल टू ऑफ सार्डिनिया पाइडमोंट। अभी सार्डिनिया पाइडमोंट क्या है? मैंने ऊपर जो बताया तुम्हें कि इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड था, तो इसमें से सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा था जो एक इटालियन रूलर रूल कर रहा था, और वो कौन सा स्टेट था? स्पेलिंग याद रखना, सार्डिनिया पाइडमोंट। ठीक है, यही एक स्टेट था। तो इसी के जो रूलर थे, जो इटालियन थे, किंग विक्टर इमैनुअल टू सार्डिनिया पाइडमोंट के, विद द हेल्प ऑफ, ये हेल्प लेते हैं किसकी? काउंट डी कैवर की और गिउसेप्पे गरिबाल्दी की, और रिवॉल्ट लेड करते हैं किसके खिलाफ? यूनिफाई करने के लिए। तो पहला रिवॉल्ट 1859 में क्या करते हैं? सार्डिनिया पाइडमोंट डिफ्लेटेड ऑस्ट्रिया, डिफ्लेटेड नहीं, डिफीटेड होगा, ठीक है, डिफीट कर देते हैं ऑस्ट्रिया को। फिर 1860 में ये सारे गरिबाल्दी और उनके सारे साथी घुस जाते हैं कहाँ? साउदर्न इटली में, और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। फिर फिफ्थ, इटली वॉज फाइनली यूनिफाइड। तो इसके बाद इटली फाइनली यूनिफाई होती है 1871 में, और राजा कौन बनता है? विक्टर इमैनुअल टू। कहाँ पे? आफ्टर रोम वॉज वेकेटेड बाय फ्रांस एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ सार्डिनिया पाइडमोंट। समझ गए? ये 5 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो। अरे यार, फटाफट रिवाइज कर लें। क्या हुआ था? 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, इटली 7 स्टेट में डिवाइडेड था। इसमें से सिर्फ एक ही स्टेट सार्डिनिया पाइडमोंट ऐसा था जो इटालियन रूलर रूल कर रहा था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल टू। तो इन्होंने सार्डिनिया पाइडमोंट के जो रूलर थे, इन्होंने काउंट डी कैवर की हेल्प ली, गरिबाल्दी की हेल्प ली, गिउसेप्पे गरिबाल्दी, ये इनकी हेल्प ली, और कहाँ क्या फाइट किया?
सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर उसके बाद जाकर के गरिबल्दी की हेल्प से किंगडम ऑफ टू सिसलीज को कैप्चर कर लिया और फाइनली 1871 में विक्टर इमैनुअल टू बन जाते हैं राजा। और एक और व्यक्ति ने हेल्प की थी गुस्सेप्पे मज़िनी ने, एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी यंग इटली नाम की, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कि भैया कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिस थी जिससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाया गया था, लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी लाई गई थी। तो इसके लिए तो कुछ याद ही नहीं करना है, मैंने तुम्हें एक निमोनिक बार 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 हजारों बार बताया है, फैक्टिल। एफ से याद रखना कि एक नया फ्लैग आ गया था, ई से स्टेट असेंबली, सी से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आ गया था, और टी से क्या है, टी से क्या है टैक्स वगैरह हट गया, और आई से क्या है भाई, आई से इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हट गई, एल से लैंग्वेज, नया लैंग्वेज आ गया था, ठीक है। वही सब नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ना यही सब लिखिएगा। सबसे पहला अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, फिर स्टेट जनरल आ गया था इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, जिसको एक्टिव सिटीजन ने इलेक्ट किया था, वोट दिया था और रीनेम कर दिया गया था नेशनल असेंबली को। फिर न्यू हिम्स वर कंपोज, ओस टेकन, फिर आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटोयन वॉज इम्फेसाइज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ला पैट्री, जैसे हम बोलते नहीं है कि मदरहुड, मदरलैंड, तो उसी तरह से ये लोग क्या बोल रहे हैं, ला पैट्री मतलब फादरलैंड और ले सिटोयन मतलब कि द सिटीजन्स, ठीक है। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को एबॉलिश कर दिया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया गया वेट और मीजर्स का। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, रीजनल डायलेक्ट्स को हटा करके फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, कॉमन लैंग्वेज बनाया गया वहां का, और पेरिस में इसको लिखा जाता था, रिटन इन पेरिस, ठीक है। ये पूरे के पूरे सारे पॉइंट्स याद रखना, जो ये पॉइंट है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश, यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया था वेट एंड मीजर्स का, समझ गए। चलो 6 के 6 पॉइंट ये रहे तुम्हारे सामने, फैक्टिल से याद कर सकते हो। नेक्स्ट हाईलाइट द रीजंस। अच्छा मैंने यहाँ पे तुम्हें इस पॉइंट को क्यों बार बार दो बार पढ़ा, इंटरनल कस्टम ड्यूटी वाला, क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, मीजर्स अलग अलग थे, एक ही चीज को मीजर करने के 10 अलग अलग यूनिट चल रहे थे, उसको यूनिफाई कर दिया गया था, और इसमें काफी बड़ा रोल किसका था, एक कस्टम यूनियन का, जिसका नाम याद रखना एनसीक्यू में पूछा जाएगा कि ज़ोलवेरिन क्या था, ट्रेड यूनियन था, नहीं कस्टम यूनियन था, एनसीक्यू में कस्टम यूनियन मार्क करना। चलो आगे, अब रीजन बताओ कि जिसके वजह से नेशनलिस्ट टेंशन बढ़े बाल्कन रीजन में, जिसकी वजह से फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 1। देखो बाल्कन रीजन ऐसा रीजन था जो छोटी 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 आइडेंटिटी वहां पे थी, छोटे 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 लोग वहां पे थे, ठीक है, छोटे छोटे साम्राज्य बसे हुए थे। अब ये सारे अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते थे, आपस में बड़े प्राउड थे, इंडिपेंडेंट समझते थे एक दूसरे को, और बिलीव करते थे कि हम पहले इंडिपेंडेंट थे बट हमें धोखे से कैप्चर किया गया है। तो अब इंडिपेंडेंस की लालच में आपस में लड़ने लग जाते हैं, और जब ये आपस में क्रिस 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 क्रॉस करते हैं, लड़ते हैं, तो बड़ी पावर्स देखती है इसको एक मौका और घुस जाती है अपने फायदे के लिए, और जो बड़ी पावर्स के बीच लड़ाई होती है वो जाती है वर्ल्ड वॉर 1। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा, कैसे आओ देखते हैं। तो द बाल्कन वॉज द रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन, ठीक है। अब इसके आगे जो लिखा है कंप्राइजिंग ऑफ मॉडर्न डे वगैरह वगैरह, मॉडर्न डे कौन कौन सा देश, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कट कर दो, बस इतना याद रखो, इतना लिखना है तुम्हें कि द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन, द इनहेबिटेंट्स वर कॉल्ड स्लैब्स, और इनको क्या बोलते थे, स्लैब्स। द स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म लेड टू इट्स डिसइंटीग्रेशन, इनका डिसइंटीग्रेशन होता है, और फिर डिफरेंट स्लैविक नेशनलिटीज, यही इन्हीं नेशन को क्या बोला जा रहा है, डिफरेंट स्लैविक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, या अपनी आइडेंटिटी नहीं डिफाइन कर पा रहे थे, है ना। और बाल्कन रीजन बिकेम अ रीजन ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट ओवर एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, अब सबको अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करनी है, इस वजह से बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम ग्रेट यूरोपियन पावर, मैंने बताया ना इसी टाइम पे बड़ी बड़ी पावर्स इन्वॉल्व जाती हैं, तो ग्रेट यूरोपियन पावर्स सच एज रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी वर कीन ऑन टेकिंग द कंट्रोल ऑफ बाल्कन रीजन, ये चाहते थे कि ये लोग जीत के बाल्कन रीजन पे खुद कंट्रोल करें। तो ये सिंस इट वॉज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट था, तो अब यही होता है, दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली बिकेम द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये छोटे छोटे लोग आपस में लड़ रहे थे, इसको देखा तो इनका मन हुआ लड़ने का, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी, ये लोग फिर आपस में ही लड़ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने जर्मनी का देखा, और किसका देखा, इटली का देखा यूनिफिकेशन, ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन आ सकता है। ब्रिटेन में ना कोई वॉर वगैरह नहीं हुई यूनिफिकेशन के लिए, वहां ब्रिटिश आइसलेस थे, मतलब कई सारे आइलैंड थे जहां पे अलग अलग लोग रहते थे, इंग्लिश बोलने वाले, वेल्स बोलने वाले, स्कॉट बोलने वाले, इरिश बोलने वाले। तो इंग्लिश नेशन ने क्या किया, जब वो पावरफुल हो गया तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है बाकी नेशंस की तरफ, जो ये बाकी सारी आइडेंटिटीज है इनके तरफ, कैसे, सबसे पहला स्टेप करता है एक्ट ऑफ यूनियन साइन करता है
1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, जिससे फॉर्मेशन होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। किसका? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अलाउंग इंग्लैंड टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब ये बन गया जब, तो इंग्लैंड का पूरा इन्फ्लुएंस आ गया स्कॉटलैंड के ऊपर। फिर क्या किया गया, स्कॉटिश हाईलैंडर वर बैंड फ्रॉम स्पीकिंग दियर गेलिक लैंग्वेज। इनकी गेलिक लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है ये बंद कर दिया गया बोलना। नेशनल ड्रेस पहनना मना कर दिया, यानी स्कॉटिश का आइडेंटिटी हटाओ और उन पे अपना इम्पोजिशन डालो, इंग्लैंड का ये प्लान। फिर फिफ्थ, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था जहां इतने लोग होने चाहिए अलग अलग कम्युनिटी के, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, इरिश, तो वहां पर सिर्फ इंग्लिश मेंबर्स को डोमिनेट करा दिया। अब डोमिनेशन जब पार्लियामेंट में हुआ तो मतलब ऑब्वियसली सब पे होगा, तो अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज क्रिएटेड बाय प्रमोटिंग अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। ठीक है, ये इस तरह से हुआ यूनिफिकेशन बिना किसी वॉर के ब्रिटेन का, डिवाइड एंड रूल वाली अपनी पुरानी अंग्रेजों की पॉलिसी। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और क्या करिए यार, लाइक का बटन दबा दे भाई, क्या कर रहा है यार, इतने देर से जान लगा के बैठा हुआ हूँ तुम्हारे लिए। लाइक का बटन दबाओ, सब में शेयर कर दो, कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में तुम्हें देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। चलो अगला चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। क्वेश्चन 39, डिस्क्राइब द फेमस इंसिडेंट्स ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग एक बहुत ज्यादा मिसफॉर्च्यून इंसिडेंट था हम सारे इंडियंस के लिए। क्या हुआ था हम सबको पता है, ऑन 13th अप्रैल, डेट याद रखना, 13th अप्रैल 1919 में क्राउड आया था विलेजर्स का अमृतसर में बैसाखी फेयर अटेंड करने के लिए। कुछ लोग बैसाखी का मेला अटेंड करने आए थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, बट वो लोग जो थे ना, बिंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, देवर अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ दैट हैज बीन इम्पोज। उनको पता नहीं था कि भैया यहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है, मिलिट्री कंट्रोल चल रहा है। तो इसी का फायदा उठाते हुए जो वहां जनरल डायर था, जो समय का मार्शल लॉ का लीडर था जनरल डायर, उसने एरिया में घुसा, वो सारे एग्जिट पॉइंट ब्लॉक कर दिए और ओपन फायर करवा दिया क्राउड के ऊपर, जिससे हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे गए थे। चल अगला क्वेश्चन 40, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द राउलेट एक्ट पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919 में एक लॉ पास होता है राउलेट एक्ट, याद रखना। इसमें बोला क्या जाता है कि बिना ट्रायल के 2 साल तक किसी को जेल में रखा जा सकता है, बिना ट्रायल के। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये लॉ लाती है बिना किसी इंडियन को कंसर्न किए। अब इससे बहुत नाराज थे इंडियंस, तो अलग अलग अपना रिएक्शन देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे रैलीज वर ऑर्गेनाइज अगेंस्ट दिस एक्ट, रेलवे शॉप और वर्कशॉप वगैरह बंद कर दी गई, और अमृतसर में प्रोसेशन हुआ, काफी वाइड स्प्रेड अटैक हुआ बस पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे। 6 अप्रैल को गांधी जी हड़ताल सुना देते हैं इसके खिलाफ, ठीक है, 6 अप्रैल को गांधी जी हड़ताल लॉन्च करते हैं इस अनजस्टिस लॉ के खिलाफ, राउलेट एक्ट के खिलाफ, और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन निकलता है जलियांवाला बाग में, जो वॉयलेंट हो जाता है कई जगह पे अक्रॉस द कंट्री। 3 मार्क में आएगा तो 3 पॉइंट लिख देना शुरू के, ये 3, और 5 पॉइंट में आया, 5 मार्क्स में आया तो पूरे के पूरे 5 पॉइंट लिख देना। चलो, वाई डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लोड डाउन इन द सिटीज। देखो क्या हुआ था ना, NCM स्टार्ट किया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। मतलब जो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए ऑफिसर्स, जैसे स्कूल हो गया और लॉ कोर्ट हो गया, वहां नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। और क्या करेंगे, जो जो टाइटल्स ब्रिटिशर्स ने दिए कि तुम लॉयर हो, तुम ये हो, तुम वो, सारी टाइटल गिव अप कर देंगे और हम सिर्फ अपना बनाया कपड़ा पहनेंगे, खादी का कपड़ा पहनेंगे, खादी का पहनेंगे और फॉरेन का इंपोर्ट को डिनाई कर देंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, नॉन कोऑपरेशन। बट ये फिर स्लो डाउन क्यों हो गया भाई सिटीज में, ये रीजन क्या था इसका? नंबर 1, कि खादी क्लोथ बहुत एक्सपेंसिव था और जो फॉरेन से मिल क्लोथ आ रहा था, मास प्रोड्यूस मिल क्लोथ, मशीन से बना हुआ क्लोथ इंग्लैंड से जो आ रहा था, वो सस्ता था, तो जो गरीब थे वो बेचारे खादी क्लॉथ नहीं अफोर्ड कर सकते। सेकंड पॉइंट, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज अ प्रॉब्लम। अब देखो, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन तुम बॉयकॉट कर दे रहे हो, बट अगर भाई तुम बॉयकॉट कर रहे हो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, तो तुम्हारी जॉब के लिए कोई अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन तो होना चाहिए, बट वो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, इंस्टीट्यूशन वर स्लो टू कम अप। जैसे इंस्टीट्यूशन काफी स्लो थे, नहीं थे लगभग इंस्टीट्यूशन, तो टीचर वगैरह दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं अपना काम, गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगते हैं टीचर, और लॉयर्स अपना लॉ प्रैक्टिस कोर्ट जाने लग जाते हैं। देन अगला इंपॉर्टेंट और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाई वाज सॉल्ट मार्च कंसिडर्ड एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। मतलब कॉलोनियलिज्म का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमें कैप्चर कर चुकी थी, उसके खिलाफ सॉल्ट मार्च एक इफेक्टिव सिंबल कैसे था, क्यों था, एक्सप्लेन करो, बताओ। तो गांधी जी का ये आइडिया था, महात्मा गांधी फाउंड सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। उनको चाहिए था ऐसा कुछ जो पूरे नेशन को यूनाइट कर ले, और सॉल्ट उनको लगा, क्यों लगा, वही नीचे 5 पॉइंट है, रीड करो।
पहला पॉइंट रीड करो रीड करो। अरे सॉल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फूड आइटम कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक एंड द टैक्स ऑन इट वाज कंसीडर्ड एन ऑपरेशन ऑफ द पीपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अरे यार कई लोग तो चैप्टर भूल चुके होंगे तो कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। क्या था ना ब्रिटिशर्स का था सॉल्ट लॉ कि सॉल्ट सिर्फ वही प्रोड्यूस करेंगे। सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, ये ओशन है ठीक है, ओशन है सी है, यहाँ से बस एवापोरेट कर दो पानी सॉल्ट बन जाएगा, इतना सिंपल सा काम। बट इनका सॉल्ट लॉ था कि सिर्फ यही लोग सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे, बाकी कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, और टैक्स वगैरह भी लगाते थे। तो सॉल्ट जो है वो सब लोग अलाइक, रिच एंड पुअर अलाइक, मतलब सब लोग बराबरी से कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो सब लोग इसके खिलाफ आ गए थे कि भाई ऐसी चीज पर टैक्स लगाना एक ऑपरेशन है। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड इज फेमस सॉल्ट मार्च एकम्पनीड बाय, अब देखो सॉल्ट मार्च में कितने लोग थे, कितना दूर पैदल चले, ये सब इंपॉर्टेंट है। 78 लोग थे, 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, 240 माइल्स चले थे, कहाँ से कहाँ तक, गांधी जी के आश्रम से जो साबरमती में था वहाँ से लेके गुजराती कोस्टल टाउन तक, डांडी तक। फिर ये वॉलंटियर 24 दिन तक चले, कितना, 240 माइल्स 24 दिन, यानी अबाउट 10 माइल्स अ डे। फिर ये जहाँ जहाँ जाते थे हज़ारों लोग आते थे गांधी जी को सुनने और उनका स्वराज का मतलब समझने। फिर फिफ्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट कि 6 अप्रैल को फाइनली डांडी पहुँच करके सेरेमोनीली, मतलब कि सेरेमनी के तौर पे वायलेट करते हैं सॉल्ट लॉ। कैसे वायलेट करते हैं, खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं सॉल्ट बाय बॉइलिंग द सी वाटर। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ CDM, मतलब सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट, CDM। तो अगर कोई पूछे सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, याद रखना 6 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था जब उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ा। चलो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन के तौर पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हु हैड ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, डिस्क्राइब हिज अचीवमेंट। देखो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में किसने दलित्स को ऑर्गेनाइज किया, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ऑर्गेनाइज किया, और उनकी अचीवमेंट बोले या फिर ये बोले कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना होगा। तो पहले सबसे पहले लिख दो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930 डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट। देखो इनकी मांग क्या थी ना कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट लाओ दलित के लिए, एंड इन दिस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज लंदन। और हिज अचीवमेंट्स और मेन फीचर्स, अचीवमेंट क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनकी डिमांड है। तो इनकी डिमांड कैसे पूरी हुई, क्या पूरी हुई, पूना पैक्ट में जो गांधी जी और महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच साइन हुआ वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पॉइंट नंबर वन, व्हेन ब्रिटिश एक्सेप्टेड दिस डिमांड इन द नेम ऑफ कम्युनल अवार्ड गांधी जी स्टार्टेड अ फेस्ट ऑन टू दैट। मतलब जब ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है कि जितने भी डिप्रेस क्लास हैं दलित्स हैं इनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, जब इस चीज के लिए राजी हो गए तो गांधी जी क्या किए, गांधी जी फास्ट पे चले गए ऑन टू डेथ, ठीक है कि भाई मैं तब तक भूखा बैठा रहूंगा अनशन पे मरने तक, वरना ये सब वापस लो। तो ही बिलीव, उनका मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट से दलित्स इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे सोसाइटी में। फिर अम्बेडकर और गांधी आपस में डिसीजन लेते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं, और अम्बेडकर जी फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं गांधी जी की पोजीशन, और रिजल्ट होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था, इन दोनों के बीच समझौता, जो समझौता है इसी को बोला जा रहा है पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। उसमें क्या डिसाइड हुआ कि डिप्रेस्ड क्लासेस को, जो लेटर शेड्यूल क्लासेस नाम से जानी जा रही हैं, इनको रिजर्व सीट्स तो मिल जाएंगी प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट वोटिंग जो होगी वो जनरल इलेक्टोरेट से ही होगी, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तीन पॉइंट हो गए। यही तीनों पॉइंट तुम पूना पैक्ट में भी अगर आए तो लिख सकते हो कि कब हुआ था पूना पैक्ट, सितंबर 1932 में, किसके द्वारा, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था, और फाइनल रिजल्ट ये निकला था थर्ड पॉइंट कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मिलेगा, जनरल इलेक्टोरेट का बस कुछ सीट्स रिजर्व मिल जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन 44 पे आ जाते हैं, लेट्स गो। एंड इट्स अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन कि सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की कैसे अफेक्ट हुई वर्ल्ड वॉर वन से, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो इसको याद करने के लिए LIPSI, ये एक निमोनिक है, लिप्सी से याद कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, L लेट टू इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, I इनकम टैक्स बढ़ गया, आ गया इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस, P प्राइसेस बढ़ गए थे, प्राइस वर इंक्रीज, S सप्लाई ऑफ सोल्जर बाय फोर्स रिक्रूटमेंट, और I इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक केम व्हेन क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लो। ये देखो L से क्या था, लेट टू डिफेंस एक्सपेंडिचर, लेट टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, I से इनकम टैक्स, P से प्राइसेस डबल हो गए थे सारे के सारे क्योंकि इकोनॉमिक हार्ड से चल रही थी, और S से सोल्जर्स को जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट से भरा जा रहा था रूरल एरियाज से। फिफ्थ, क्रॉप फेल हो गई जिसकी वजह से I से क्या था, इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल जाता है। ये हो गए अपने आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, डिस्क्राइब द रोल ऑफ
क्या लिखा क्या लिखा है क्या लिखा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीसेंट्स इन अवध, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीसेंट्स इन अवध, कि भाई अवध में क्या रोल था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सारे के सारे पीसेंट्स का, बताओ। तो सबको बता दूं कि NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबने अपना अपना अपने अपने हिसाब से अपने अपने मोटो के हिसाब से स्वराज का मीनिंग समझ लिया था, जैसे चाहे वो पीसेंट्स अवध के, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो प्लांटेशन वर्कर हो, और सब अपने अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे अलग अलग किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है, मैं अवध के पीसेंट का तुम्हें समझा दे रहा हूँ जिसका चांस ज्यादा आने का। इन अवध द पीसेंट्स मूवमेंट वॉज लेड बाय बाबा रामचंद्र, असन्यासी रामचंद्र नाम के बाबा जी वहां पे लीड कर रहे थे ये मूवमेंट, जो पहले फिजी में इंडेंचर्ड लेबर रह चुके थे। फिर सेकंड पॉइंट, द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट तलुकदार्स, ये जी नहीं होगा के होगा, तलुकदार्स, तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड जो थे वो इनसे बहुत ज्यादा हाई रेंट मांगते थे, ठीक है, पीसेंट से, तो इनके खिलाफ इनका ये वॉर था या कैलोरी रिवॉल्ट था। फिर थर्ड, पीसेंट्स हैड टू डू बेगार, इनको बेगार करना पड़ता था, बेगार मतलब क्या होता है, फ्री वर्क, यानी फ्री में वर्क करो बिना पेमेंट के, एंड वर्क एट फार्मलैंड विदाउट एनी पेमेंट, ये लिखा है। एज टेनेंट्स हैड दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड कुड नॉट बी एविक्टेड विदाउट एनी नोटिस, मतलब कि वो टेनेंट थे ना, ये जो वर्कर्स थे क्या थे, टेनेंट थे, मतलब समझ लो किराएदार थे, कि बस काम के लिए आए थे और इनको कोई सिक्योरिटी नहीं था टेन्योर का, मतलब कि वर्क पीरियड था, कभी भी इनको भगाया जा सकता था काम से, ठीक है, विदाउट एनी नोटिस। फिर फोर्थ पॉइंट, द पीसेंट्स मूवमेंट डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, अब जो पीसेंट थे क्या डिमांड कर रहे थे बताओ, रिडक्शन होना चाहिए रिवेन्यू में, एबॉलिशन होना चाहिए बेगर का, और सोशल बायकॉट होना चाहिए इन सारे बदतमीज लैंडलॉर्ड्स का 1920 में। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू आते हैं और सारे विलेजर से बात करते हैं और अवध किसान सभा बनाते हैं, किसके साथ मिलके, इन्हीं जी के साथ, बाबा रामचंद्र जी के साथ मिलके बनाते हैं क्या, अवध किसान सभा, और विद इन अ मंथ 300 ब्रांचेस इसकी फैल जाती हैं विलेजेस में। फिर एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउस ऑफ तलुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, मतलब 1921 में ये मूवमेंट काफी क्या हो जाता है, वॉयलेंट हो जाता है। अब बताओ NCM को क्यों कॉल ऑफ किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों कॉल ऑफ किया गया था, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है, याद रखना वन लाइनर में, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। तो जैसे यहाँ पे पीसेंट्स का रोल पूछ लिया गया है, एक आध लोग का और रोल पूछा जा सकता है एक आध क्लास का, तो एक बार प्लीज देख लेना, वो NCERT लेक्चर मैंने जो बना रखा है उसको कंसिडर करना। चलो आता है अगला चैप्टर, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, क्वेश्चन 46, मेंशन द एडवांटेज ऑफ सिल्क रूट इन प्री मॉडर्न ट्रेड। अच्छा सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर है कि नहीं तुम्हारी, कि सिल्क रूट वो नहीं है जहां से सिर्फ सिल्क कार्गोस जा रहा है, सिल्क कार्गोस तो जाता ही था वहां से टेक्सटाइल स्पाइसेस सब कुछ जाता था, वो रूट को सिल्क रूट बोलते थे। एडवांटेज क्या थी, तो देखो हिस्टोरियंस हैव डिस्कवर्ड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड बाय सी, लैंड पे भी सी पे भी, जिससे एशिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका सब कनेक्टेड था, हेंस एस्टैब्लिश द पिलर्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के पिलर्स थे ये सब। फिर पॉटरी फ्रॉम चाइना, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट, ठीक है, मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ सिल्क नहीं, इंस्टेड पॉटरी हो गया, स्पाइसेस, टेक्सटाइल सब कुछ ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, एंड प्रीशियस मेटल्स भी, गोल्ड एंड सिल्वर भी जा रहे थे यूरोप से एशिया में, और द ट्रेडर्स अलॉन्ग दिस कैरीड नॉलेज, आइडिया, वैल्यू, स्किल, इनोवेशन, लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट, रीजनल बिलीफ, मतलब कि अभी सामान सिर्फ नहीं जा रहा था गोल्ड सिल्वर और ये सब, बल्कि साथ साथ में आइडियाज, वैल्यू, स्किल, इन्वेंशन, यहां तक कि एंड करके लिख देना जम्स तक ट्रेवल हुए थे, स्मॉल पॉक्स जैसे तो ट्रेवल हुआ था। फिर थर्ड पॉइंट, कल्चरली बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, अब कल्चरली की कल्चर की बात करें तो ईस्टर्न इंडिया से बुद्धिज्म इमर्ज हुआ, गया अलग अलग डायरेक्शन में सिल्क रूट के ही थ्रू, तो सिल्क रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्री मॉडर्न ट्रेड में, ठीक है, और कल्चरल लिंक्स में, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए, सिल्क रूट में आएगा तो ये सारे पॉइंट लिख सकते हो अपने से बना के। फिर क्वेश्चन 47, अगर ये पूछा जाए कि भाई सेंटर ऑफ ट्रेड चाइना में पहले था, एशिया में था, फिर वो यूरोप में कैसे शिफ्ट हो गया, तो अंटिल वेल इनटू 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज, कि 18th सेंचुरी तक क्या था, चाइना और इंडिया रिचेस्ट कंट्रीज थे, ये प्रोमिनेंट थे एशियन ट्रेड में। फिर सेकंड पॉइंट, बट 15th सेंचुरी से क्या होता है, फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट, चाइना अपने आप को ना आइसोलेशन में चला जाता है, आइसोलेट कर लेता है और बहुत कम ओवरसीज कॉन्टैक्ट रखता है। अब चाइना का रिड्यूस रोल एंड राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिका, अमेरिका का इंपॉर्टेंस में बढ़ रहा था, इन दोनों रीजन की वजह से सेंटर ट्रेड कहाँ चला था, सेंटर कहाँ चलता है वर्ल्ड ट्रेड का, वेस्टवर्ड्स, वेस्ट की तरफ, मतलब यूरोप की तरफ। फिर अगला जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि स्मॉल पॉक्स के बारे में, तो हाउ डिड स्मॉल पॉक्स प्रूव्ड एज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्करर्स इन द मिड 16th सेंचुरी, हुआ क्या था ना कि उस टाइम पे जो स्पेनिश कॉन्करर्स थे, ठीक है, स्पेनिश लोग, ये लोग स्मॉल पॉक्स के थ्रू कॉन्कर कर लेते हैं पूरा का पूरा एरिया। कैसे कॉन्कर करते हैं देखो, तो
स्मॉल पॉक्स प्रूफ टू बी, अरे पढ़ो यार, सिंपल डिस्क्रिप्शन जैसे आंसर लिखते हैं कि स्मॉल पॉक्स प्रूफ एज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर्स इन द मिड 16th सेंचुरी एज फॉलोज। नंबर वन, कि यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर पावर, ठीक है, कोई फायर पावर या फिर कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ यहाँ पे। इनफैक्ट मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल वॉज अ कन्वेंशनल मिलिट्री वीपन का भी यूज नहीं हुआ है। इंस्टेड इट वॉज ड्यू टू जम्स दे कैरी, जम्स का यूज हुआ है। कैसे? क्योंकि ये लोग स्पेनिश लोग जब अमेरिका में जाते हैं, यूरोप से अमेरिका में गए, तो इनके पास तो इम्यूनिटी थी, ठीक है, बट अमेरिकन के पास इम्यूनिटी नहीं थी स्मॉल पॉक्स के लिए, और ये अपना इन्फेक्शन अपनी डिजीज वहां फैला देते हैं, जिसके बाद काफी बड़ी पॉपुलेशन मार दी जाती है इस बीमारी के थ्रू, जिससे ईजिली वो कॉलोनाइजेशन कर लेते हैं, ईजिली कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स अपने ये सारे लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस पे किया सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कि समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, कि कुछ नई क्रॉप डिफरेंस बन जाती है लाइफ और डेथ के बीच। ठीक है, ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। तो द स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड एज फॉलोज। पॉइंट वन, यूरोप्स पुअर बिगन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोड्यूशन ऑफ हम्बल पोटैटो। जब पोटैटो वहां पे यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ, तो जो लोग सिर्फ पोटैटो ही खाने लग गए थे, ठीक है, तो आयरलैंड के जो पुअरेस्ट पीसेंट्स थे वो इतना डिपेंड हो गए पोटैटो पे कि जब एक डिजीज लग गई जिससे पूरी पोटैटो क्रॉप जो थी वो डिजीज के द्वारा खराब हो गई मिड 1840 में, तो सब लोग भूखे मर गए, स्टारवेशन से मर गए। मतलब इतना आलू पसंद आ गया था, सिर्फ आलू ही खाएंगे। तो 100,000 डाइट ऑफ स्टारवेशन, जिसको बहुत फेमस पूछा गया है पिक्चर, इसमें एक जो बनी नहीं थी ऐसे सब लोग आलू डिक कर रहे थे जमीन को, आलू खोद रहे थे, वो पिक्चर पे क्वेश्चन आ सकता है। और इसका इवेंट क्या था? इरिश पोटैटो फेमाइन। ठीक है, इरिश पोटैटो फेमाइन। ठीक है, नीचे आओ, अगला चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ चुके हैं हम। क्या है? द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वॉज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। अरे यार, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, प्लीज जाके हिस्ट्री देख लेना, सारे अलग अलग पार्ट्स बन रखे हैं पूरी कंप्लीट बुक की, वो देख लेना। क्यों था इंपीरियल स्टेट चाइना का मेजर प्रोड्यूसर प्रिंटेड मटेरियल का? क्योंकि उनको बहुत एग्जाम कराने रहते थे, वही लिखा है। चाइना का ना बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, जिसको अपने पर्सनल के लिए, जिसको अपने मतलब कि लोगों को रिक्रूट करने के लिए सिविल एग्जामिनेशन कराने होते थे, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब इन एग्जामिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक वगैरह चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसके लिए इंपीरियल स्टेट जो था वो स्पॉन्सरशिप करता था, खुद पैसे देता था कि बहुत ज्यादा प्रिंट मटेरियल बनाओ। अब यूज ऑफ प्रिंट वॉज डाइवर्सिफाइड एंड रीडर्स वॉज इनहेंस्ड, नॉट ओनली स्कॉलर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रिंट का यूज डाइवर्सिफाई हुआ, सिर्फ स्कॉलर और ऑफिशियल नहीं यूज कर रहे थे, बल्कि मर्चेंट लोग भी यूज कर रहे थे एवरीडे लाइफ में, जिससे ट्रेड इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ रही थी उनको प्रिंट के थ्रू। तो इसलिए रीडिंग ऑल्सो इंक्रीजिंगली बिकेम अ लीजर एक्टिविटी। मतलब अगर मेन आंसर देखें ना, तो इसका सिर्फ इतना लिखना है, पहला पॉइंट लिख दो कि चाइना का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था जिसके लिए एग्जाम कराना था, दूसरा तो टेक्स्ट बुक वगैरह छपती थी, फिर तीसरा कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो स्टूडेंट्स भी बढ़ते हैं, इसलिए और भारी मात्रा में प्रिंटेड मटेरियल छपने लग गया चाइना में। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कौन सी सिटी हब बन गई थी प्रिंटेड मटेरियल की, तो संघाई। ये वन वर्ड वाले एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हम साथ में डिस्कस कर ले रहे हैं, संघाई। और प्रॉपर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज, टाइम बेस्ड क्विज, टाइमर वाले क्विज पड़े हुए हैं अपने फ्री एंड्रॉयड ऐप पढ़ लक्ष्य पे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन 50, गिव एनी 3 रीजन फॉर शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग इन चाइना। हैंड प्रिंटिंग जो पहले हो रही थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह, उससे मैकेनिकल प्रिंटिंग पर शिफ्ट कैसे होता है बताओ? तो 3 रीजन आर एज फॉलोज। नंबर 1, रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी। लेजर एक्टिविटी का मतलब क्या है? टाइम पास एक्टिविटी बन गई थी रीडिंग, ठीक है, एंड हेंस द डिमांड फॉर रीडिंग मटेरियल इंक्रीज। तो रीडिंग मटेरियल का डिमांड बढ़ गया, सिर्फ एग्जाम के लिए अब नहीं यूज हो रहा रीडिंग मटेरियल जैसे पहले ही हो रहा था, इंस्टेड अब एक लेजर एक्टिविटी है, टाइम पास एक्टिविटी, लोगों को पढ़ना है, रोमांस वोमांस पढ़ने में मजा आ रहा है लोगों को, है ना। तो अब वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक और मैकेनिकल प्रेस इंपोर्ट किए गए लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है, जैसे जैसे वेस्टर्न पावर स्टैब्लिश हुआ चाइना में। फिर संघाई हमने जो डिस्कस किया, बिकम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर केटरिंग टू वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स, दिस मेड अ ग्रेजुएट शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल आंसर। हाफ वे कंप्लीटेड, कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ ब्रदर सिस्टर, जो भी हो तुम यार, 50 क्वेश्चंस हाफ सेंचुरी मार दी तुमने। अरे पगली जो कोई नहीं देखेगा, अब 51 पे आ गए हैं, चलो इसको भी जल्दी सुहा करेंगे हम। Not everyone welcomed the printed book and those who did also had fears about it. सबने प्रिंट को वेलकम नहीं किया, और जिन्होंने किया भी उनको भी डर था। भैया प्रिंट से कैसा डर था, पढ़ो। नंबर 1 पॉइंट, many were apprehensive of the effects that the easier access to printed word
एंड द वाइडर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स कुड हैव ऑन पीपल माइंड. मतलब कि जब इतने इजली सारा का सारा प्रिंटेड मटेरियल फैल रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, तो लोगों के दिमाग पर असर पड़ेगा. तो ये जो इफेक्ट पड़ रहा है लोगों के दिमाग पे, इससे काफी लोग कंसर्न थे. दूसरा पॉइंट, इट वॉज फियर्ड दैट इफ अगर कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, मान लो कि जो प्रिंट हो रहा है, जो पढ़ा जा रहा है, तो कई सारे उल्टे पुल्टे थॉट्स, रिबेलियस और इरिलीजियस थॉट्स भी बढ़ सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं. थर्ड पॉइंट, और अगर ऐसा होता है तो वैल्यूएबल लिटरेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. मतलब अगर ऐसा हुआ तो अथॉरिटी जो है वैल्यूएबल लिटरेचर की, जो मान लो खराब टेक्स्ट अगर फैल जाते हैं, तो जो अच्छे टेक्स्ट भी है ना, उनकी अथॉरिटी, उनकी इज्जत खराब हो जाएगी. जैसे कुछ फालतू के गोबर यूट्यूबर्स मार्केट में फैल गए हैं, उनके वजह से हम जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जनरली दिन से रात लगे हुए हैं, हमारी भी कभी कभी इज्जत खराब हो जाती है. लोग अच्छे टीचर्स को भी कभी कभी ट्रोल कर देते हैं. क्वेश्चन 52, व्हाट इज अ मैन्यूस्क्रिप्ट. अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है और उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, ठीक है. लिस्ट द मेजर शॉर्टकमिंग्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, कि भैया मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या क्या दिक्कत थी. तो मैन्यूस्क्रिप्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज रिटन बाय हैंड, दैट इज कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर, रिफर्ड एज मैन्यूस्क्रिप्ट. पाम लीव्स पे या हैंडमेड पेपर पे हो तो उसको बोलते हैं हैंड रिटन. लिखा हो पाम लीव्स पे हो या फिर पेपर पे हो तो उसको बोलेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट. और ये शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है, दिक्कत क्या है इसमें, कि ये बहुत डिफरेंट स्टाइल, क्योंकि हैंड रिटन है तो डिफरेंट स्टाइल में होगा, तो सब लोग नहीं रीड कर सकते इजली, और बहुत एक्सपेंसिव और फ्रेजाइल है, यानी इजली कैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कुडंट बी कैरीड अराउंड इजली. और थर्ड, कॉपिंग वॉज वेरी लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग. अब तुम खुद सोचो, एक एक कॉपी को हाथ से लिखा जा रहा है, जो हमारी अपनी 33 डेज चैलेंज बुक थी उसकी इतनी सारी कॉपीज बिकी. अब एक एक कॉपी अगर मैं हाथ से लिखता बैठ करके तो कितना टाइम लगता, तो यही लिखा गया, टाइम कंज्यूमिंग और लेबोरियस वर्क था, ठीक है. हेंस रिप्रोडक्शन वॉज डिफिकल्ट, तो रिप्रोडक्शन डिफरेंट था एक का दूसरा बनाना. चलो क्वेश्चन 53 पे आ जाओ. बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अ न्यू विजुअल कल्चर टुक शेप इन इंडिया. 19th सेंचुरी के एंड तक एक नया विजुअल कल्चर आ गया था. विजुअल कल्चर यानी प्रिंट नहीं, सिर्फ टेक्स्ट नहीं, इमेजेस वगैरह का कल्चर आ गया था. कैसे? आंसर, पॉइंट नंबर 1, अ न्यू विजुअल कल्चर वॉज टेकिंग शेप विद द सेटिंग अप ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. विजुअल इमेजेस कुड बी इजिली रिप्रोड्यूस इन मल्टीपल कॉपीज. कई सारे कॉपीज में विजुअल इमेजेस प्रिंट हो रही थी. जैसे एग्जाम्पल, पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा हेल्प्ड इन प्रोड्यूसिंग इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन. राजा रवि वर्मा जी ने काफी हेल्प की थी, मास सर्कुलेशन हो रहा था इमेजेस का. थर्ड, चीप प्रिंट एंड कैलेंडर वॉर इजली अवेलेबल इन द मार्केट एंड कुड बी बॉट इवन बाय द पुअर टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ दियर होम और वर्क प्लेस. कि कई सारे सस्ते प्रिंट और कैलेंडर इधर उधर सर्कुलेट हो रहे थे मार्केट में, इजली अवेलेबल थे, जिससे लोग अपनी वॉल, होम वॉल डेकोरेट करते थे. दीज प्रिंट्स हेल्प इन डेवलपिंग द पॉपुलराइज ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, रीजन एंड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड कल्चर. ठीक है, ये हो गए अपने तीनों पॉइंट कि कैसे विजुअल कल्चर आ गया था प्रिंट के अंदर. फिर अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया गुटेनबर्ग साहब, गुटेनबर्ग कौन है, सबको मालूम होना चाहिए कि गुटेनबर्ग ही वो व्यक्ति है जिसने पहला प्रिंटिंग प्रेस एक तरीके से कह सकते हो बनाया था. और पहली किताब इनकी कौन सी थी, बाइबल थी, जो 180 कॉपीज जिसकी 3 साल में छपी थी. ठीक है, देखो वही सब यहाँ पर भी लिखा होगा. चलो क्या है कि गुटेनबर्ग ने कैसे सिस्टम को परफेक्ट कर दिया 1448 तक. तो गुटेनबर्ग वॉज द सन ऑफ अ मर्चेंट. देखो मर्चेंट के बेटा था ये, और ये कहाँ पे बड़ा हुआ था, मतलब पला बड़ा कहाँ पे था, एक एग्रीकल्चर स्टेट पे था, मतलब खेत में पैदा हुआ था. उसने बचपन से ही वाइन और ऑलिव प्रेसेस देखे थे, तो उसने सीख लिया था आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन, और एक बहुत होनहार गोल्डस्मिथ यानी सुनार बन गया था. उसको स्टोन्स को पॉलिश करने आ गया था. और एक और कला आ गई थी, लेड मोल्ड्स बनाना. लेड मोल्ड्स बनाना मतलब जैसे कि एक ये एक बॉक्स बना लेना, इसके अंदर थोड़ा ऐसे एक, मतलब कि एक डीप ग्रच कर देना, ऐसे 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 इतना काट करके निकाल दिया ए शेप में. तो अब इसमें कोई इंक डालोगे और कहीं चिपकाओगे तो ए शेप अपने आप प्रिंट हो जाएगा. तो इस तरह के लेड मोल्ड, जो पहले वुड प्रिंटिंग्स हो रहा था, इन्होंने लेड मोल्ड्स बना दिए थे. ठीक है, ये कला थी इनके पास. तो अब ये सारी नॉलेज को मिला करके इन्होंने बनाया ऑलिव प्रिंट, ऑलिव प्रेस की नॉलेज ले ली, और अपने गोल्ड स्मिथ लेड मोल्ड वाली नॉलेज ले ली, और बनाया मेटल टाइप फॉर द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट. मेटल टाइप्स फॉर द लेटर ऑफ अल्फाबेट. फोर्थ पॉइंट क्या है, गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम एंड फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वॉज बाइबल. जो मैंने बताया अबाउट 180 कॉपीज प्रिंट हुई थी, काफी समय लगा था. ठीक है, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत बहुत फास्ट था. ठीक है, उस टाइम के हिसाब से ये पहला प्रिंट था जो इतनी जल्दी छप गया था 180 कॉपीज. तो गुटेनबर्ग को बहुत महान माना जा रहा था, और ऑब्वियसली महान थे भी. नेक्स्ट क्वेश्चन 55, लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन बिगन टू बी रिटन इन पर्टिकुलर विविड एंड इंटेंस वेज. वेल, कीपिंग माई रैप मोड असाइड, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. पूछा गया है कि लाइव्स एंड फीलिंग, वुमेन की लाइव्स और फीलिंग को लिखा गया था पर्टिकुलरली विविड यानी ब्राइट वेज में और इंटेंस वेज में भी. कैसे लिखा गया था ये समझो यहाँ पे, वुमेन के लिए मतलब कि क्या क्या प्रिंट हो रहा था. तो पहला पॉइंट,
द स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड, स्टेटमेंट जस्टिफाइड है। पहला पॉइंट क्या है, पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर वुमेन, जो पेनी मैगजीन थी छोटी छोटी मैगजीन थी, वो सस्ती मैगजीन थी, वो वुमेन के लिए ही थी। सेकेंड पॉइंट, राइटिंग ऑफ जेन ऑस्टेन, ब्रॉन सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट। नहीं नहीं, ये कोई तुम्हारे इकोग्निटो टैब वाले नाम नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, नहीं है। ये राइटर्स के नाम है, वुमेन राइटर्स के नाम है उस टाइम के, जेन ऑस्टेन, ब्रॉन सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और एक नई टाइप ऑफ वुमेन को डिफाइन कर रहे थे अपनी राइटिंग के थ्रू। थर्ड पॉइंट, राशसुंदरा देवी, ठीक है, जो इंडियन गर्ल है राशसुंदरा देवी, यंग मैरिड गर्ल इन वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड, लर्न टू रीड इन सेक्रेसी ऑफ हर किचन, किचन में बेचारी छुप करके पढ़ना लिखना सीखती और अपनी ऑटोग्राफी लिखती हैं, अमर जीबान, जो पब्लिश होती है 1876 में, और ये पूरी अमर जीबान किस लैंग्वेज में थी, बंगाली में, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट, फ्रॉम द 1860s अ फ्यू बंगाली वुमेन लाइक कैलाश बासनी देवी, कैलाश बासनी देवी वगैरह भी लिखना चालू कर देती हैं। तो ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट भी इसी से रिलेटेड तुम्हारे स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर दे रहा हूँ, स्क्रीन पे देख लो, ठीक है, आ जाओ नीचे। एंड देन ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लो, बस ये लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन क्या है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है भाई कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, तो अब लिख देना कि 1878 द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड मॉडल्ड ऑन द इरिस प्रेस लॉ। किस पे बेस्ड था ये, किस पे मॉडल था, एमसीक्यू में पूछ सकता है, इरिस प्रेस लॉ पे बेस्ड था, ठीक है। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन वर्नाक्युलर प्रेस। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोला जा रहा है, तो वर्नाकुलर का मतलब क्या है भैया, कि जो लोकल लैंग्वेज प्रेस है ना, मराठी, गुजराती, कोंकणी, कन्नड़ी, ये सारे वर्नाकुलर प्रेस हैं जितने, इन पर सेंसरशिप लगाया जाएगा और गवर्नमेंट का राइट होगा कि कोई भी चीज सेंसर कर सकते हैं, कट ट्रिम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो एज वर्नाकुलर प्रेस बिकेम एसर्टिवली नेशनलिस्ट, जैसे जैसे वो और नेशनलिस्ट बनते जा रहे थे, इंडिया के बारे में लिखते जा रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिकेम डिबेटिंग मेजर्स ऑफ स्ट्रिंजेंट कंट्रोल। फ्रॉम देन ऑन द गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक, तो रेगुलर ट्रैक रखने लग गए थे वर्नाकुलर प्रेस का, कि क्या पब्लिश हो रहा है क्या नहीं, है ना। व्हेन अ रिपोर्ट वॉज जस्ट एज सीडिशियस, अगर इनकी जो रिपोर्ट ये लोग जो बना रहे थे, इसमें देखा जाता था कि कुछ सीडिशियस है, कुछ मतलब कि कुछ अगेंस्ट में लिखा गया है इनके गवर्नमेंट के, तो न्यूज़पेपर को वार्न किया जाता था, और वार्निंग अगर इग्नोर की गई है तो प्रेस को सीज कर दिया जाता था और प्रिंटिंग मशीनरी कॉन्फिसकेट कर दी जाती थी। All this was done to impose censorship on vernacular newspaper who reported on colonial rule and encouraged reported nationalist activities. ठीक है, समझ गए, ये था vernacular press act. अब आ जाओ अगला, खत्म कर दिया हमने हिस्ट्री भी, यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस ब्रो, एंड देन लेट्स स्टार्ट डेवलपमेंट। क्वेश्चन 56, Why are some countries referred to as developed countries? अरे भाई developed countries क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिनका per capita income US dollar इतने से 49,300 per annum, मतलब yearly से ज़्यादा होता है 2019 के according, तो इसको rich और developed बोलते हैं। ऐसी country जहाँ high literacy rate है, per capita income ज़्यादा है, standard of living अच्छा है, तो उसको बोलते हैं। और ऐसी country जहाँ lower income inequalities है, मतलब ये क्या होता है भैया, लोअर इनकम इनइक्वालिटीज, मतलब कि इनइक्वालिटी कम है, ये नहीं कि जैसे हमारे यहाँ अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब 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 और गरीब होता जा रहा है, तो ये इनइक्वालिटीज कम है, पुअर्टी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, ये सारी कैटेगरीज यहाँ, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पाई जाती हैं उसको बोलते हैं डेवलप कंट्री। फिर वॉट आर कॉमन डेवलपमेंट गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स क्या है कॉमन मैन के, ये तो अपने से बना के लिख दो, क्या क्या डेवलपमेंट गोल है, किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट होता है, किसी के लिए कुछ। सम रिक्वायरमेंट्स आर कॉमन टू ऑल एंड आर कॉन कॉमन डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, कुछ कुछ तो चीज़ें कॉमन है जो डेवलपमेंट में जोड़ी ही जाती हैं, तो वो कहलाता है कॉमन डेवलपमेंट गोल। जैसे द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, सच एज सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, पीस होना चाहिए, शांति, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए जो दिल्ली में है नहीं, इंप्रूव्ड हेल्थ होनी चाहिए, लिटरेसी लेवल अच्छा होना चाहिए, अवेयरनेस और कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन भी होना चाहिए, मतलब इनकम के अलावा ये सारी चीज़ें कॉमन डेवलपमेंट गोल्स में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, एक्सप्लेन थ्री कंपोनेंट्स ऑफ HDI, HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंपोनेंट क्या क्या है। तो UNDP ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करता है HDI होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, एक रिपोर्ट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर जो पब्लिश कौन करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ थ्री कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट के बेस पे। पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि मैक्सिमम एज प्रेडिक्ट की जाए कि कितना एक आदमी जी सकता है वो। दूसरा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, कि इनरोलमेंट रेशियो फॉर स्टूडेंट्स इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। फिर तीसरा एवरेज इनकम और PCI, मतलब कि पर कैपिटा इनकम, कि टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, जो इंडिया का बहुत 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 कम है,
आज हम बहुत ज्यादा फिफ्थ इकोनॉमी तो बन चुके हैं, बट अगर हम टोटल अपनी हम टोटल जो इनकम है कंट्री की उसको डिवाइड कर दें पॉपुलेशन से, तो हमारा पीसीआई पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम, जो एक कंसर्निंग इशू है। इसी को बोलते हैं इन इकोनॉमी इन इक्वालिटी, कि गरीब गरीब ही है बेचारा और अमीर अमीर होता जा रहा है। अब देखो यही यहाँ नीचे लिखा है कि श्रीलंका का एसडीआई हमसे बेटर है 2004 में अगर देखें, तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। अगर एनसीईआरटी में 2004 का डेटा है तो उसी बेसिस पे ही एक्सप्लेन करना है, अपने से नहीं हमें 2024 का डेटा लगाना है, ठीक है। क्यों बेटर है श्रीलंका का एचडीआई रैंकिंग? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका की 74 है, कि 74 साल तक कोई व्यक्ति जिंदा रहता है वहां पे, और यहाँ इंडिया में सिर्फ 64 है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पर कैपिटा इनकम वहां पे है $4,390, यहां पे है 3,139, और वहां पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 69, यहां पे है 60, ठीक है। चलो फिर 60 क्वेश्चन नंबर 60 पे आ चुके हैं कि एवरेज इनकम यूजफुल है कंपैरिजन के लिए, बट ये डिस्पैरिटी हटा सकता है, जो मैंने ऊपर तुमको बताया। देखो क्या होगा, देखो मैं तुमको अच्छी राइटिंग भी लिख देता हूँ यार, कई लोग बड़ी कंप्लेन करते हैं कि भैया आपकी राइटिंग बड़ी बेकार है। तो एवरेज इनकम इक्वल्स टोटल इनकम, ऐसे ही चाहते हो कि मैं पढ़ाऊंगा एकदम स्लो, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके 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 ओके, ये लिख दिया। तो अब होता क्या है, जैसे मान लो कि हम इंडिया की एवरेज इनकम निकाल लेते हैं, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, मान लो आ गई $3,000 कि $3,000 एक आदमी कमा रहा है एवरेज इनकम। तो अब यहां पे डिस्पैरिटीज छुप जाती हैं, यहां पे ये नहीं पता चल रहा है कि कितने परसेंट लोग 3,000 कमा रहे हैं और कितने परसेंट बेचारे $3 भी नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है, डिस्पैरिटीज छुप जा रही है। यहां पे वही लिखा है, एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट मे हाइड डिस्पैरिटीज, डिफरेंसेस घट जाते हैं। जैसे पॉइंट नंबर वन, इसको सपोर्ट करते हुए लिखो कि सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम डज नॉट टेल व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, ठीक है, टोटल इनकम से पता नहीं चलता हमें कि कितना एक व्यक्ति कमा रहा है, तो इसलिए हम एवरेज इनकम का यूज करते हैं। बट एवरेज इनकम की दिक्कत यह है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाता है, मतलब रिच और पुअर में डिफरेंस नहीं दिखाता है कि कौन कितना कमा रहा है, कितने अमीर लोग हैं कितने गरीब। तो टू कंट्रीज में हैव सेम एवरेज इनकम, दो कंट्री में सेम एवरेज इनकम हो सकता है, बट हो सकता है कि हर फैमिली सेम चीजें एंजॉय ना कर पा रहा हो, कुछ फैमिली रिच हो कुछ फैमिली पुअर हो। फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, वेयर मेट्रो टाउन्स आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छे मेट्रो टाउन्स हैं, प्रॉपर फुल हाई राइज बिल्डिंग है, बट कहीं विलेजेस के साइड जाओ, बुलंदशहर जाओ, बिहार जाओ, यहाँ पे जाकर देखो कि क्या हाल है वहाँ का, वहाँ बेसिक नेसेसिटी नहीं है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं मिल रही है। तो ये है डिस्पैरिटीज। क्वेश्चन 61, व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सस्टेनेबिलिटी का इशू इतना ज्यादा बड़ा इशू क्यों है, बताओ, व्हाई इज इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पता है, पहले यही समझ लो भाई, एसडी नहीं, एसडी कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि ऐसा डेवलपमेंट करो कि प्रेजेंट में जो जनरेशन है वो तो सिक्योर रहे, उसको सब कुछ मिले, बट जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है ना उसके लिए भी कुछ बचा रहे, यानी कि आज ही सब कुछ यूज करके खत्म कर दो। तो ये जरूरी क्यों है, क्या कि आने वाली जनरेशन भी यूज कर पाए, वही सारे ये तीन पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो इसको रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, सजेस्ट एनी थ्री वेज टू इंप्रूव पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो पब्लिक फैसिलिटीज हमें देता है गवर्नमेंट वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बताओ। देखो पॉइंट वन, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रेलवे, एयरवे, वाटरवे, बैंकिंग, ये सब इंप्रूव करो और एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाओ कॉमन आदमी के लिए। फिर अपलिफ्टिंग पीडीएस, पीडीएस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या लिखा है, ये लिखा है सेकंड पॉइंट, अपलिफ्टिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिकॉज इट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैसिलिटी, कि जो जो कुछ भी है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है उसका, क्योंकि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी। जो फूड सिक्योरिटी हमें, जो फूड जमा होता है ना कि कभी भी आपदा आएगी तो उसमें यूज करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, एक पीडीएस ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर थ्री, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी दैट इज रिक्वायर्ड बोथ बाय रिच एंड पुअर एज वेल, मतलब कि एजुकेशन को फ्री होना चाहिए और अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। फ्री तो आज भी एजुकेशन, यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, फ्री एजुकेशन मिल जाएगी गवर्नमेंट स्कूल में, बट वो किसी क्या काम की एजुकेशन है, क्या क्वालिटी एजुकेशन है, नहीं। वही तुम दिल्ली आकर के देखो, यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल देखो, तो क्वालिटी एजुकेशन मिले और फ्री एजुकेशन मिले, ठीक है। देन आते हैं अपने अगले चैप्टर पे, विच इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देखते हैं इसको। इससे यार ना कई सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और मैंने सारे ग्राफ बेस्ड, टेबल बेस्ड, मैप बेस्ड, पिक्चर बेस्ड सारे क्वेश्चन उस तरीके के करवा दिए हैं सिर्फ इस एक वीडियो में, जा करके जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। क्वेश्चन 63, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी अलग कैसे भाई,
अरे यार ये तो सबको पता है। तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोस इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। यानी जो सेक्टर, जो ऐसी एक्टिविटीज हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो, एक्सट्रैक्शन हो, वो आता है प्राइमरी में। जैसे माइनिंग हो गया, माइनिंग से क्या होता है, हम रॉ मटेरियल निकालते हैं ना मिनरल इंडस्ट्री के लिए। एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर से क्या हो गया, हम रॉ मटेरियल बनाते हैं फूड इंडस्ट्री के लिए। अरे कुछ उगा रहे हो तो फूड इंडस्ट्री के लिए उगता है। और सेकेंडरी सेक्टर होता है कि जो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो रॉ मटेरियल तो बन चुका है ऑलरेडी प्राइमरी एक्टिविटी में, उस रॉ मटेरियल को दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दे। जैसे सुगर केन उग गया, ठीक है, सुगर केन उग गया तो ये किसमें आ गया, सुगर को उगाना एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में, बट इसी सुगर केन को कन्वर्ट कर देना चीनी में, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन 64। इस तरह के एग्जाम्पल्स इंक्लूड करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि तुम पढ़ के आए हो, रट के नहीं। 64, हाउ इज पब्लिक सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट। भैया ये तो सबको पता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है। इन द पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट, गवर्नमेंट सारे एसेट ओन करती है सारे एसेट्स, और प्राइवेट में ओनरशिप किसकी होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है, कंपनीज के हाथ में होती है। जैसे BSNL गवर्नमेंट का है बट जियो अपने मोटा भाई का है। फिर सेकेंड, द मेन मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मतलब मेन मोटिव पब्लिक सेक्टर का क्या होता है बताओ, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वाइल प्राइवेट के लिए होता है प्रॉफिट मेंटेन करना। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर वही देख लो, BSNL अभी तक क्यों चल रहा है, ताकि वेलफेयर हो, कम पैसे में भाई लोग यूज कर सके सिम, ठीक है, कम्युनिकेट कर सके, बट प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए होता है। अच्छा एग्जांपल ये लिख सकते हो कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, हार्बर्स एंड डैम्स एटसेट्रा, ठीक है, ये सारे क्या हो गए पब्लिक वाले। कि रेलवे किस लिए है, लोगों के लिए, कम पैसे में हो रहा है सब कुछ। बट अगर प्राइवेट में देखें, टाटा आयरन स्टील, रिलायंस, ये सब क्या है, प्राइवेट कंपनीज है। ठीक है, जो प्राइवेट एयरजेट कंपनीज है, स्पाइस जेट वगैरह, ये सब क्या है, प्राइवेट कंपनीज है। सबके लिए नहीं है, वेलफेयर के लिए नहीं है, प्रॉफिट के लिए है। ठीक है, ओके, ये हो गया पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। देन अब ये बताओ कि GDP कैसे कैलकुलेट होती है, हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड एंड सर्विस फॉर कैलकुलेटिंग GDP ऑफ अ कंट्री, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, बताओ। तो वन मस्ट टेक केयर, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, सिर्फ एक चीज का, GDP को जोड़ते वक्त, कि द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल थ्री सेक्टर इन अ ईयर इज नोन एज GDP ऑफ द कंट्री, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया अपना क्या डेफिनेशन। सेकेंड पॉइंट, इट इज अंडरस्टूड दैट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड, दैट्स व्हाई इट इज द एडिशन ऑफ फाइनल वैल्यू। नहीं समझ रहे हो, इधर आ जाओ, मुझे पता था, इधर आ जाओ। जैसे ये क्या है, ये है वीट, ठीक है, आटा, आटे से क्या बना, आटे से हमारा बन गया मैगी। तो अब जब मैगी का फाइनल वैल्यू क्या है, ₹14 की मान लो एक मैगी है, तो अब इस ₹14 में जो भी लगा, वीट लगा प्लस मसाला लगा, जो भी लगा, ये सब इंक्लूड हो जाएगा इनकी कॉस्ट। ठीक है, वही लिखा है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होता है, इंटरमीडिएट गुड्स का कॉस्ट इंक्लूड होता है, इसीलिए एडिशन हम किसका करते हैं, फाइनल वैल्यू का, हम ₹14 ऐड करेंगे। यानी कि 14 भी ऐड कर लो GDP कैलकुलेट करते समय, फिर वीट का भी प्राइस ऐड कर लो, मसाले का भी ऐड कर लो, चीनी नमक सब ऐड कर लो। नहीं, फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस का हम ऐड, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का ऐड करते हैं। थर्ड पॉइंट, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस इन अ ईयर, एक ईयर में GDP हम निकालते हैं। चलो अगला क्वेश्चन 66। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सजेस्ट एनी थ्री वेज टू सेव वर्कर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर एक होता है और एक होता है अनऑर्गेनाइज, ये दोनों में डिफरेंस तो पता ही है तुम्हें। ठीक है, अब अनऑर्गेनाइज में कैसे एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकते हैं बताओ, कैसे, कि मिनिमम वेज और वर्किंग आवर डिसाइड होना चाहिए, और वर्किंग वर्कर शुड बी प्रोवाइडेड विद बेसिक सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए यार, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन। थर्ड, गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर दैट लॉज लाइक इक्वल वेजेस एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट आर स्ट्रिक्टली अबाइडेड अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना, जो समझ लो तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे फिक्स्ड आवर्स नहीं डिसाइडेड है, वर्किंग आवर्स नहीं डिसाइडेड है, सैलरी नहीं डिसाइडेड है, तो ये सब डिसाइड करो, मिनिमम वेज डिसाइड करो, गवर्नमेंट कह रही है मिनिमम वेज डिसाइड कर लो भाई, ये गवर्नमेंट नहीं कह रही है, ये हमें खुद बताने थ्री वेजेस हेल्प करने के लिए, वर्कर्स को बचाने के लिए। तो मिनिमम वेज डिसाइड कर लो, वर्किंग आवर डिसाइड कर लो, क्योंकि ओवर आवर कराए जाते हैं। ठीक है, और बेसिक सर्विस तो जैसे हेल्थ फैसिलिटीज और फ्री एजुकेशन उनके बच्चों के लिए, और गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर दैट लॉज जो है ना, जो लॉज बनाए गए हैं कि इक्वल वेजेस एक्ट, मैन वुमेन को सेम वेज मिल रही है, और फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर अबाइड कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। देन क्वेश्चन 67, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल,
इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन एज टू हु कैन प्रोवाइड देम एट रीजनेबल कॉस्ट, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोसाइटी को चाहिए ही चाहिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर? ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर, क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड है और वहीं इतना पैसा हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, देखो नंबर वन पॉइंट इसमें लिखो, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ एसेट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर फैसिलिटेटेड बाय एक्सटेंसिव टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम पब्लिक। भाई जब हम पब्लिक गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो हम ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ही बनाएंगे सर्विस प्रोवाइडर। सेकंड, द पब्लिक सेक्टर ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट इज क्रूशियल फॉर नेशनल डेवलपमेंट एज इट टेक्स, नेशनल डेवलपमेंट के लिए भाई ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, हाई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जैसे बिल्डिंग, रोड, हाईवे, फ्लाईओवर, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर ही होना चाहिए। और तीसरा, पब्लिक सेक्टर ही होना चाहिए क्योंकि पब्लिक वेलफेयर वही देख सकते हैं, जैसे फ्री एजुकेशन, इलिटरेसी वगैरह को दूर करने के लिए। चलो, और प्रॉफिट सेंट्रिक किसका विजन होता है, प्राइवेट का। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट लिख देने हैं। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन 68, इन व्हाट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हो रूरल सेक्टर में बताओ, जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय पे, बाय इंट्रोड्यूसिंग मेगा प्रोजेक्ट, डैम वैम का ले ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उससे क्या होगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा क्या, एम्प्लॉयमेंट। कैसे, अरे भाई डैम बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कैनाल्स बन रहे हैं, तो मजदूर चाहिए, तो ये हो गया। दूसरा, बाय इंट्रोड्यूसिंग टर्शियरी फैसिलिटीज इन एन एरिया, टर्शियरी फैसिलिटीज का इंट्रोडक्शन कराओ सर्विस सेक्टर का, टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेमी रूरल, जो सेमी रूरल एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करो और वहां पे इंडस्ट्रीज लोकेट करो ताकि लोकल्स को जॉब मिले। फोर्थ, इट इज पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। फिफ्थ, बाय प्रमोटिंग टूरिज्म, टूरिज्म भी प्रमोट करके काफी इंडस्ट्री आ सकती है, सर्विस इंडस्ट्री आ सकती है, जैसे कि आईटी। ठीक है, चलो चलो 69 पे आ जाओ, वाई इज देयर अ नीड टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज, यही सब लिखा हुआ है जो ऊपर था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों बचाना है वर्कर को, क्योंकि बार गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं होता है, वर्किंग आ ज्यादा होते हैं, इररेगुलर अर्निंग होती है, हाई जॉब सिक्योरिटी होती है, कभी भी किसी को निकाल सकते हैं, और बेनिफिट नहीं होती है, जैसे पेड लीव वहां पे नहीं मिलती है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ओ वर्सेस यू, ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो डिफरेंस यही सारे इन्हीं सारे बेसिस पे रहेंगे कि वहां पे वर्क आर डिसाइडेड नहीं है, पेमेंट नहीं डिसाइडेड है और बेनिफिट्स नहीं मिलते। चलो, मनी एंड क्रेडिट, तो पैसा पैसा करती है, चल स्टार्ट करते हैं, पैसा पैसा 70, क्वेश्चन 70, सिग्निफिकेंस बताओ आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट, इट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन कौन सुपरवाइज करता है, आरबीआई। फिर बैंक्स को बोलता है कि मेंटेन कैश बैलेंस ऑफ डिपॉजिट्स दैट दे रिसीव, फिर आरबीआई बोलता है सारा का सारा मॉनिटर करता है सारे बैंक्स को कि एक कैश बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है, एक परसेंटेज मेंटेन रहे कैश बैलेंस का। फिर फोर्थ, आरबीआई सीज दैट बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को लोन दो, बल्कि छोटे कल्टीवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल बोरोवर्स को भी मिलना चाहिए लोन टाइम पे। फिर पीरियोडिकली बैंक हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन, आरबीआई को इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है कि वो कितना पैसा किसको लेंड कर रहे हैं, यानी कितना लोन किसको दे रहे हैं और किस इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन 71, व्हाई इज मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, यानी मॉडर्न करेंसी का कोई खुद का यूज नहीं है बट फिर भी उसको एक्सेप्ट किया गया है, जो नोट है, अरे भाई जो नोट है ये जिसपे 10 रुपए लिखा होता है, हमारे बापू बने होते हैं, ये नोट का खुद का तो यूज नहीं उस कागज का, बट उसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया गया है बताओ। इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि एक नॉर्मल कागज नहीं है, वहां पे लिखा होता है, अगर पिछला साइड तुम मोड़ करके देखो पलट करके, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अधिकारित होता है वो। सेकंड, इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रूपी। ठीक है, थर्ड, कि लॉ बोलता है भाई कि कोई भी इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है इंडिया के अंदर रूपी के ट्रांजेक्शन को। और फोर्थ पॉइंट, नो इंडिविजुअल इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज, भाई रिफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो 72, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डिपॉजिट्स विद द बैंक्स आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर एज वेल एज टू द नेशन, एग्जामाइन, यानी जो बैंक में पैसा, ये बैंक है इसमें जो पैसा रखा हुआ है, ये दोनों लोग को बेनिफिशियल है, किसको, डिपॉजिटर डी जो पैसा डाल रहा है बैंक में उसको भी, और एन नेशन को भी, देश को भी, कैसे बताओ। देखो, बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटर टू डिपॉजिट, जैसे कि तुम अगर गए बैंक अपना पैसा रखे, तुमको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये नोट करो यहाँ पे। पहला, बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड पेज इंटरेस्ट, तुमको इंटरेस्ट मिलता है ना, सेविंग्स अकाउंट है, FDA कुछ भी करा रहे हो, इंटरेस्ट मिलता है, कम ही मिलेगा बट मिलेगा। उसी तरह बैंक्स हेल्प पीपल सेव दियर मनी एंड कीप दियर मनी इन सेफ कस्टडी, सेफ है पैसा बैंक के पास, अगर बैंक से चोरी होता है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बट घर से चोरी होता है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है।
थर्ड बैंक पीपल कैन विथड्रॉ देयर मनी एज व्हेन दे रिक्वायर, जब चाहिए तब रिक्वायर, जब जरूरत है जब जाके पैसा ले लो एटीएम वगैरह से, बैंक से डायरेक्ट भी ले सकते हो। बैंक ऑल्सो ग्रांट लोन्स टू पीपल फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, लोन वगैरह भी तुमको मिल जाता है बैंक से। चलो ये हो गया, अब बेनिफिट तो तुमको था बट बेनिफिट नेशन को क्या हो रहा है कि बैंक यूज द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। तुमको क्या लग रहा है इतना पैसा आ कहां से रहा है? तो जो पैसा तुम डालते हो ना, जैसे देखो तुमने अगर मान लो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, 100 रुपए है बैंक में डाला, 100 रुपए डाला तो तुमको कितना मिलेगा? मात्र रुपीज 102, सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट मिलता है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम समझ रहे हैं, किसको मिला? यू डिपॉजिटर को। बट यही 100 रुपए ये लोन पर दे देता है, किसको? लोन पर दे देता है बैंक किसी और को, और बैंक उससे कितना लेता है 100 के बदले? रुपीज 110, ठीक है 110 रुपए लेता है, और तुमको कितना देगा? 102 ही दे रहा है बाद में। तो 8 रुपए का फायदा इवेंचुअली बैंक को ही हो रहा है, ठीक है, बैंक का भी फायदा हो गया, जो गरीब को लोन चाहिए था उसका भी फायदा हो गया, और तुमको 102 रुपए मिल गया, तुम्हारा भी फायदा हो गया, ठीक है। वही यहां समझाया गया है कि बैंक यूज मेजर प्रोपोर्शन टू एक्सटेंड लोन्स। फिर सेकंड पॉइंट, देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब कि नीड वीड जब पड़ती है तो बैंक लोन दे देता है। बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड, मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है उसके और जिसके पास पैसा की जरूरत है उसके बीच में बैंक एक इंटरमीडिएट के तरीके काम करता है। यही हमने देखा, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो तुमने 100 रुपए रख दिया बैंक में, तुमको 102 मिल गया, और जिसके पास नहीं हो बेचारा लोन ले ले रहा है बैंक से, तो बैंक एक मीडिएशन के तरीके फॉर्म कर रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत डिटेल्ड आंसर भी था, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन 73, हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर, हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर, गरीब लोगों के लिए फॉर्मल सेक्टर कैसे बेनिफिशियल होता है बताओ। तो क्रिएट, मतलब कि क्या क्या वेस्ट से हम पुअर के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स को। फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स क्या है? बैंक वगैरह, ठीक है, और इनफॉर्मल क्या है? मनी लेंडर वगैरह। तो फॉर्मल सेक्टर को कैसे बना सकते हैं? इन सारे मेजर से। बहुत ईजी आंसर है कि अवेयरनेस फैलाओ, सेकेंड द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन शुड बी मेड ईजियर, लोन का प्रोसेस ईजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और लेस टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए, टाइमली लोन मिलना चाहिए लोगों को। ज्यादा से ज्यादा नेशनलाइज बैंक निकालो, यानी कि सिर्फ प्राइवेट बैंक, क्योंकि प्राइवेट बैंक नहीं देते जल्दी लोन, ठीक है। फोर्थ, द बेनिफिट्स ऑफ लोन शुड बी एक्सटेंडेड टू पुअर फार्मर, पुअर फार्मर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मिलना चाहिए। फिफ्थ, वाइल फार्मर सेक्टर फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू बी एक्सपेंड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन, सबको इक्वली रिसीव होना चाहिए लोन, ये नहीं कि सिर्फ अमीर को मिल रहा है गरीब को नहीं। तो ये यहाँ पे रीड कर सकते हो पॉज करके। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 74, इमेजिन योर सेल्फ टू बी अशोक, अ मेंबर ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है ठीक है। तुम क्या हो? अब अशोक नाम क्यों लिखा है भाई, यहाँ पे कोई लेडी नाम लिख लो, प्रिया लिख लो, कि यू आर प्रिया अ मेंबर ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, कि तुम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो ना, तो वुमेन का नाम लिखना होगा ना यार। एनालाइज द वेज थ्रू विच योर ग्रुप प्रोवाइड्स लोन टू द मेंबर, अब बताओ कि कैसे तुम्हारा ग्रुप लोन देता है। अब SHG होता क्या है, तुमने चैप्टर में आई होप अच्छे से पढ़ा होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि ये खुद का बनाया हुआ ग्रुप होता है जहां पे लोग पैसा वैसा जमा करते हैं, जिसको जरूरत होती है वो ले लेता है। वही यहां पे समझाना है पूरा फंक्शनिंग इसका। तो पॉइंट नंबर वन, सेल्फ हेल्प ग्रुप पूल दिया सेविंग्स, पूल मतलब कि अपना पैसा डालते हैं, अपनी सेविंग्स डालते हैं, एक साथ जमा करते हैं, और टिपिकल SHG में सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर होते हैं, यूजली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मीट एंड सेव रेगुलरली, एक नेबरहुड यानी पड़ोस के लोग होते हैं जो आपस में रेगुलरली मिलते हैं और पैसा बचाते हैं। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 और मोर, मतलब कि कम से कम पैसा डाल सकते हो, ज्यादा भी डाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितना पैसा बचाना चाहते हो। फिर मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, जैसे 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 देखो क्या हुआ कि डिसाइड हुआ कि 5 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन सब ने मिलकर के अपना पैसा डाला है यहाँ पे, है ना, इसमें SHG में टोटल मान लो मिला करके हो गया 1000 रुपए। तो अब 1000 रुपए में जिसको जब लोन की जरूरत है वो ले सकता है, क्योंकि ये इनका ही पैसा है, इनके ग्रुप का ही पैसा है। वहीं बैंक से लेने जाओगे तो ये लाओ वो लाओ दुनिया भर की चीज लाओ, है ना, जो यहाँ पे नहीं है। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज करेगा ग्रुप, बट ये बहुत कम होता है मनी लेंडर से, जो इनफॉर्मल सेक्टर से, उनसे। आफ्टर अ ईयर और टू, एक दो साल के बाद अगर ये ग्रुप रेगुलर रहता है अपनी सेविंग में तो ये एलिजिबल होता है बैंक से लोन लेने के लिए। देखो एक इंडिविजुअल पर्सन गरीब आदमी को लोन लेना मुश्किल है, बट अगर ऐसा SHG बना लो सेल्फ हेल्प ग्रुप और रेगुलरली सेविंग कर रहे हो तो इजिली तुमको लोन बैंक से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, जस्ट लास्ट 25 क्वेश्चन बचे हैं, गिव योर सेल्फ अ डैब, भाई सैल्यूट है तुमको कि तुम यहां तक कर चुके हो। अगर कर चुके हो कमेंट में लिख दो कि यस आई हैव कंप्लीटेड 75 क्वेश्चंस, तो लाइक मारो। लेट्स रीड इट लाउड। 75, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। देखो
मनी फंक्शंस एज अ सॉल्यूशन टू द चैलेंज ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट सर्विंग एज अ बोथ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड अ यूनिट वैल्यू मनी सीमलेस ट्रांजेक्शन। अरे देखो, मान लो पहले जमाने में होता क्या था कि तुम हो, ठीक है, तुम क्या करते हो, तुम खेती करते हो, तुम्हारे पास है वीट, 1 kg वीट है, और मैं क्या हूँ, मैं भाई करता हूँ पेपर फैक्ट्री में काम, मेरे पास है पेज, ठीक है, मेरे पास भी 1 kg पेज है, 1 kg नोटबुक है, तुम्हारे बेटे को चाहिए नोटबुक तो मैं ये दे दूंगा, और मेरे बेटे को चाहिए रोटी तो मैं तुमसे ये ले लूँगा, ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम। बट मान लो अगर मुझे तो चाहिए पेपर और मैं पेपर बेच रहा हूँ तो मेरा काम हो गया, मेरे पास पेपर है, बट तुम्हें भी पेपर चाहिए, डबल कोइंसिडेंस हो गया, तो ये एक्सचेंज नहीं हो पाता है। और इसी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को, ऐसी सिचुएशन को कौन हेल्प करता है, मनी, क्योंकि पैसा एक ऐसी यूनिट है जो एक्सचेंज तुम कोई भी सामान इसके थ्रू कर सकते हो और यूनिवर्सल पेमेंट अपनी कर सकते हो, चाहे कोई भी सामान हो उसके लिए, इसीलिए पैसा बहुत यूजफुल चीज है। नोट स्पेसिफिक वेरी इजी एंड यूजफुल थिंग। क्वेश्चन 76, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ लेंड। फॉर्मल सेक्टर क्या क्या है बताओ क्रेडिट के, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट, इनकी इंपॉर्टेंस बताओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो नंबर वन क्या है पॉइंट, सुपरविजन, कि फॉर्मल सोर्स ऑपरेट अंडर आरबीआई सुपरविजन, या आरबीआई सुपरविजन के अंदर काम करता है, इंश्योरिंग प्रॉपर कैश बैलेंस मेंटेनेंस एंड लोन्स टू स्मॉल कल्टीवेटर, फिर लो इंटरेस्ट रेट, द फॉर्मल सेक्टर रेगुलेटर बाय आरबीआई ऑफर्स लो इंटरेस्ट रेट देता है, और चीप क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर अफोर्डेबल क्रेडिट विद रेगुलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, सस्ते पे क्रेडिट यानी लोन दे देता है। अगला चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकॉनमी, विच इज अ वेरी इजी चैप्टर, क्वेश्चन 77, यहाँ पे बस इतना जानो, बहुत रिडक्शन इस चैप्टर में हो चुका है तो कम ही पढ़ना है, कि 3 advantage और disadvantage ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, सबको पता है कि वर्ल्ड कैसे कनेक्टेड, ग्लोबलाइज हो गया है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखनी है। तो एडवांटेज क्या है पहले ये देखते हैं, 3, ग्लोबलाइजेशन ओपन्स द वर्ल्ड मार्केट फॉर ऑल एंड एस्टैब्लिशेस कनेक्शन, सबके लिए वर्ल्ड मार्केट खुल जाता है, इंटीग्रेशन होता है अलग अलग नेशंस के बीच। ग्लोबलाइजेशन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है भाई, देखो कितने लोग आईटी सेक्टर में हमारे देश में काम कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज में, और मोस्टली कंपनीज क्या हैं, वेस्टर्न कंपनीज हैं, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया इतनी एम्प्लॉयमेंट, वरना और लोग अनएम्प्लॉयड होते कंट्री में। 3, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्पेशली इन अर्बन एरियाज एंड ऑफर्स देम अ वैरायटी ऑफ चॉइसेस, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, कि ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ टफ कंपटीशन फॉर लोकल कंपनीज, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर से आती हैं तो लोकल कंपनीज को काफी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जैसे अमेजॉन आया है बाहर से तो फ्लिपकार्ट बाद में बना और फ्लिपकार्ट इंडियन है, उसको काफी टफ कंपटीशन झेलना पड़ रहा है। 2, एम्प्लॉयमेंट ऑफर्ड अंडर ग्लोबलाइजेशन डजंट गारंटी जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है प्राइवेट कंपनीज में, जब मन रखेंगे जब तक फायदेमंद हो उसके बाद टाटा बाय बाय। 3, ग्लोबलाइजेशन येट अगेन बूस्ट मोस्टली द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में ही बूस्ट देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन से, एंड वी ऑल नो दैट वर्किंग एनवायरनमेंट प्राइवेट सेक्टर में कैसा होता है, बहुत ही बेकार, ठीक है। 3, टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, यही क्वेश्चन आने का चांस है अगर आएगा तो, कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तो ये सारे रोल हैं देखो ग्लोबलाइजेशन में। 1, दिस हैज मेड फर्स्ट मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट, कि लोअर कॉस्ट पे हायर डिलीवरी, हायर स्पीड से फास्टर डिलीवरी हो पा रही है लॉन्गर डिस्टेंस पे भी। 2, इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट अच्छा हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से, और टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ टेली कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। फिर टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स, मतलब जो टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है ना, जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये सब बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, और इससे एक जगह बैठे बैठे हम दूसरी जगह से बात कर सकते हैं, और दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और ये सब जितनी हमने बात की ये सब कब पॉसिबल हो पाया, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन आज हो पाया। ये पॉज करके पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगले पे चलते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक आ सकता है, कई लोग कॉमेंट कर करके पूछ रहे हैं भैया G20 पे क्वेश्चन आएगा आएगा, मैंने कहा करा देते हैं यार एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, कि व्हाट आर G20 एजेंडा, G20 एजेंडा क्या क्या थे। तो इफ वी नोटिस क्लोजली द G20 वॉज लॉन्च्ड एज अ फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोकसिंग मेजरली ऑन ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक इशूज, कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन था कई सारे इशूज पे फोकस करने के लिए, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड रिकॉग्नाइजिंग द नीड इट हैज एक्सपेंडेड इट्स एजेंडा, बट अब धीरे धीरे एक्सपेंड हो गया, क्या क्या एजेंडा हो गया है, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, मतलब कि क्या क्या एजेंडा है G20 का, ये सारे कुछ लिखने पड़ेंगे। इन्वायरमेंट एंड एंटी करप्शन, द एजेंडा एंड मैंडेट ऑफ G20 नाउ एड्रेसेस द नीड्स ऑफ द करेंट टाइम्स इन द ऑर्डर टू डिलिबरेट ऑन एंड बेनिफिट इट्स मेंबर।
तो ये है सारा लिखा हुआ, क्या क्या एजेंडा है। नंबर वन ट्रेड, नंबर टू क्लाइमेट चेंज, नंबर थ्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट एंड एंटी करप्शन, ये सारी चीजों पे फोकस कर रहा है हमारा G20। मोस्टली इस तरह का छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है एजेंडा के ऊपर, या फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा केस बेस्ड के अंदर जो इजिली तुम सॉल्व कर लोगे, इतना परेशान मत होना G20 वाले क्वेश्चन के लिए। ज्योग्राफी शुरू, आते हैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट पे। लास्ट 21 क्वेश्चन समय अब यहां से करने हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पहला क्वेश्चन, वी हैव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रेन, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट का क्या कहना है कि हमें अपने फोर फादर्स से, मतलब ये देखो ये हमारे फोर फादर्स हो गए, यहां से हमें ये वर्ल्ड नहीं मिला, ये अर्थ नहीं मिला है, इंस्टेड ये अर्थ हमने बोरो किया है, लिया है इनसे अपने बच्चों से। अब किसी से कोई सामान उधार पे लेते हो तो सही से यूज करते हो ना, तो बस इसीलिए आने वाली जनरेशन के लिए सही से यूज करो, वही लिखा हुआ है यार कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सही से यूज करो। सिंस द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी सेवरल साइंटिस्ट हैव वॉर्न्ड दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल, ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए वी नीड टू प्रैक्टिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो दैट आने वाली जो जनरेशन है उनका जो एबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन 80, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। रिसोर्स प्लानिंग का स्टेप क्या क्या होते हैं। IPM, आई लव प्राइम मिनिस्टर, इससे याद कर लो, यही होता है पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा प्लानिंग स्ट्रक्चर और तीसरा मैचिंग। मतलब पहले आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेस हैं, उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करो, एस्टिमेशन करो, फिर इवॉल्व अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फिर तीसरा मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, कि हमने जो अपना प्लान बताया है वो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के साथ मैच कर भी रहा है। पता चला तुमने अपना ही प्लान बना लिया कि मैं यहाँ पे गड्ढा खोदूंगा, बट वो गड्ढा तो तुम खोद रहे हो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज के लिए होना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट के साथ अलाइंड होना चाहिए, कुछ एंटी नेशनल काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैचिंग हो गया, तो ये एक दो तीन स्टेप्स हो गए कोई भी रिसोर्स प्लानिंग के लिए। चलो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज द इजिएस्ट चैप्टर, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज हाईली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी हटती है तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी हटती है, सपोर्ट करो। गिव फोर फैक्ट, फोर फैक्ट्स क्या क्या है। नंबर वन, इंक्रीजिंग मार्जिनलाइज्ड एंड इम्पोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, मतलब जब बायोडाइवर्सिटी हटी, फॉरेस्ट हटाना, याद करो फॉरेस्ट क्लीन होता है तो जो आसपास लोग रहते हैं फॉरेस्ट के, जो कम्युनिटी होती है वहाँ की, फॉरेस्ट ट्राइब्स होते हैं, उनको भी हटना पड़ता है, तो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज भी हट गई हैं। अमंग द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मेन, वुमेन पे ज्यादा असर पड़ता है, फॉर वुमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेसिक सबसिस्टेंस नीड्स, विद द डिप्लीशन ऑफ दिस रिसोर्सेज द ड्यूजरी ऑफ वुमेन इंक्रीज, फॉर दे हैड टू वॉक मोर देन 10 किलोमीटर टू कलेक्ट दिस रिसोर्सेज। देखो क्या होता है ना, फॉरेस्ट पर बड़ी सिंपल सी कम्युनिटी रहती है, उसी फॉरेस्ट से लकड़ी लेते हैं, खाना बनाते हैं, जलाते हैं, उसी में जीवन जीते हैं, बट अगर वो फॉरेस्ट क्लीन हो जाएगा, ये बेचारी कम्युनिटी को कहीं और सेटल होना पड़ेगा और पैदल कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो सब नहीं करने आता इनको, अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं, 10 किलोमीटर दूर जाके पैदल चल के फायरवुड कलेक्ट करेंगे और रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन, फॉर एग्जाम्पल ड्रट और फ्लड एटसेट्रा ऑल्सो हिट्स द पुअर द हार्डेस्ट, पुअर को ही असर पड़ता है, पुअर्टी इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन, तो हमने देखा एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन होता है तो पुअर्टी भी आती है। देन 82, एसेस द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना, ये भी कोई सवाल है भाई, कंजर्व करना जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नेसेसरी बिकॉज इट प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि इससे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, इकोलॉजी मेंटेन रहती है। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व्स आर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जैसे वाटर एयर सॉइल, ये सब भी सपोर्टेड रहते हैं, ये सभी बचे रहते हैं, क्योंकि इकोलॉजी में ये सब आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ एंड ब्रीडिंग ऑफ स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वराइटीज। ठीक है, तो ये होगा 3 पॉइंट। अब आ गया एक और इजी चैप्टर, वाटर रिसोर्सेज, ये सब तो बहुत इजी चैप्टर है। राइट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो क्या होगा, ये लिखो। तो वाटर स्कैर्सिटी मीन शॉर्टेज ऑफ वाटर, इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद रीजंस हैविंग लो रेनफॉल और ड्रॉट प्रोन रीजंस, जो ड्रॉट प्रोन रीजन है, लो रेनफॉल वाले रीजन है, वहां पर होता है ये सब दिक्कत, और इनका इंपैक्ट क्या है, पंपिंग आउट मोर वाटर, ज्यादा वाटर हम पंप आउट करेंगे अंडरग्राउंड से तो ग्राउंड वाटर लेवल गिर जाएगा। इट विल एडवर्सली इफेक्ट आवर वाटर अवेलेबिलिटी, सेड दिस इन टर्न विल अफेक्ट द एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ पीपल। ठीक है, फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब कर देगा, और इम्पॉरिशमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में एडवर्सली इफेक्ट द इकोलॉजिकल साइकिल, इकोलॉजी इकोलॉजिकल साइकिल पूरी डिपेंडेंट है ना वाटर वगैरह पे, तो वाटर अगर कम होगा तो इस पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन 84,
व्हाट आर द सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? हमने ऊपर ही अभी देखा कि लोकल पीपल स्पेशली द लैंडलेस पीपल डिड नॉट गेन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. लोकल पीपल को कोई फायदा नहीं मिलता. इट लेड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल. पीपल जो वहां पर रह रहे हैं उनको हटना पड़ता है, वहां से डिस्प्लेस होना पड़ता है. इट हैड इंक्रीज द सोशल गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. रिच एंड पुअर के बीच सोशल गैप बढ़ चुका है. डैम्स क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल वॉन्टिंग डिफरेंट यूज एंड बेनिफिट फ्रॉम वाटर रिसोर्स. देन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो बिकमिंग अ कॉमन कंसर्निंग शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा रोल है, जिसके वजह से कंसर्निंग स्टेज आ जाता है जब कॉस्ट शेयरिंग में दिक्कत होती है इंटर स्टेट गवर्नमेंट में. ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 85 पे, विच सेज डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या क्या होते हैं बताओ. नंबर वन, फुलफिलिंग वाटर नीड्स. मेथड्स क्या है? गर्ल्स कुल्स और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इंपैक्ट क्या है? इनेबल्ड रिलायबल एक्सेस टू वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पर्पज. फिर सेकेंड, इरीगेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज. इसके मेथड क्या क्या है? इंडोनेशियन चैनल्स इन वेस्ट बंगाल, रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर लाइक खादिन्स एंड जोहाज. इसका इंपैक्ट क्या है? सपोर्ट इरीगेशन एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन. थर्ड रहता है रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स, कि कहाँ कहाँ से ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है. रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर जैसे अंडरग्राउंड टैंक्स, टंकास इन हाउसेज, स्पेशली इन एरिड रीजन लाइक बीकानेर, फलोडी एंड बर्मर, राजस्थान के रीजन में. इंपैक्ट इसका क्या है? इंश्योर्ड अ डिपेंडेबल सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग वाटर स्कार्सिटी. तो दीज एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कंट्रीब्यूटेड टू सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, मेकिंग देम एसेंशियल फॉर सोसाइटल वेलबींग एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. ठीक है, ये सारे मेथड्स, ये ट्रेडिशनल मेथड सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट है. अगला चैप्टर एग्रीकल्चर, ये एक बढ़िया चैप्टर है. देखो, इससे क्वेश्चन आने के सब्जेक्टिव क्वेश्चन चांसेस कम ही होते हैं. एमसीक्यू वगैरह में इस बार काफी क्वेश्चन आने के चांस हैं. क्वेश्चन 86, डिस्क्राइब एनी फाइव फीचर ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, पुराने जमाने की ऐसी फार्मिंग जहां सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही थी. तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड. मतलब स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर होती है, छोटे एरिया पर होती है. प्रिमिटिव टूल्स पुराने जमाने के यूज होते हैं और फैमिली वगैरह आपस में मिलकर ही करती है. फिर फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन दियर फैमिली. फार्मर क्या करते हैं, एक पैच ऑफ लैंड क्लियर करते हैं, उस पर उगाते हैं अनाज और फूड क्रॉप उगाते हैं अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, खुद से अपनी फैमिली के लिए, फैमिली वाले ही काम करते हैं. वेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, सॉइल फर्टिलिटी जब कम होती है फार्मर वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं और इसको ही बोलते हैं शिफ्ट कल्चर. ठीक है. देन फिफ्थ, लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर. लैंड प्रोडक्टिविटी लो होती है इस टाइप ऑफ फार्मिंग में, क्योंकि फर्टिलाइजर या केमिकल का यूज नहीं होता है, ना ही कोई मॉडर्न इनपुट का. चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आगे. क्वेश्चन 87, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, हर साल आता है ऑलमोस्ट. कि एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय गिविंग रीजन. एग्रीकल्चर बैकबोन इंडियन इकोनॉमी का, कैसे भाई, कैसे है? सारे पॉइंट देखो. नंबर वन, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. मतलब 2/3 पॉपुलेशन इसी में लगा हुआ है, विच प्रोवाइड लिवलीहुड, जिससे वो बेचारे जीवित हैं, जी रह रहे हैं. एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसर्स मोस्ट ऑफ द फूड एंड फूड ग्रेन दैट वी कंज्यूम. ये प्राइमरी एक्टिविटी है जिससे सारा फूड और फूड ग्रेन बनता है जो हम कंज्यूम करते हैं. और इट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल भी बनता है. सिर्फ ये नहीं कि जो हम खा रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल, जो हम कपड़ा पहन रहे हैं कॉटन का, शुगर इंडस्ट्री में जो यूज हो रहा है, सब कुछ का रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से ही आ रहा है. सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते हैं फॉरन एक्सचेंज के लिए, फॉरन वैल्यू के लिए. फिफ्थ, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड टू द पॉपुलेशन इज सिग्निफिकेंट. मतलब कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत लोगों को मिल रही है. ठीक है. क्वेश्चन 88, एक्सप्लेन एनी टू फीचर ऑफ राबी क्रॉपिंग सीजन. अब राबी क्या होता है, खारिफ क्या होता है, ये दोनों सीजन के बारे में याद रखना और जैद भी याद रखना. देखो, राबी सीजन ये है कि जब विंटर में हम सो करते हैं, यानी विंटर में जो बीज है वो डालते हैं और फसल काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, कब? समर में, अप्रैल से जून के टाइम. ठीक है. और अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प इन सक्सेसफुल ग्रोथ. ठीक है, समझ गए? ये दो फीचर है किसके, राबी क्रॉपिंग सीजन के. एग्जाम्पल जरूर याद रखना, इन तीनों के एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आएंगे, राबी के, खारिफ के और जैद के. जैद का एग्जाम्पल क्या है, वाटरमेलन वगैरह. ठीक है, चलो नीचे आओ. व्हाट इज सेरीकल्चर, नेम 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. सेरीकल्चर क्या होता है, तो द रियरिंग ऑफ सेरी, याद रखना, सिल्क वॉर्म. रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म का रियरिंग करना जिससे सिल्क फाइबर प्रोड्यूस होता है, ये होता है सेरीकल्चर. और फाइबर क्रॉप कौन कौन सी है, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क. ठीक है, चलो आगे. क्वेश्चन 90, ये पॉज करके पढ़ लो, इजी से बताया.
यार फर्स्ट थ्री आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम क्रॉप, पहला तीन जो है कॉटन, जूट और हेम्प, ये तो क्रॉप से मिलता है, बट सिल्क जो है ये कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से, ककून से, ठीक है, जिनको किस पे जिंदा रखा जाता है, मलबरी लीव्स खिलाई जाती है, फिर इन्हें मार दिया जाता है सिल्क के लिए। देन क्वेश्चन 90 पे आ चुके हैं हम, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ साउथ इंडिया, अरे सबको पता है कॉफी, कॉफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी पॉपुलेशन, ठीक है। और मेजर स्टेट कौन कौन से हैं, मेजर स्टेट सारी क्रॉप के याद रखना, मेजर स्टेट कौन कौन से हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मेनली इन नीलगिरी हिल्स, इनिशियली इट्स कल्टीवेशन स्टार्टेड इन बाबा बुदान हिल्स। क्वेश्चन 91, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग सुगर केन प्रोडक्शन, सुगर केन प्रोडक्शन में इंडिया क्या पोजीशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है वो लिखिए, और राइट द मेजर स्टेट्स दैट प्रोड्यूस सुगर केन। देखो अलग अलग कई सारी चीज़ें आ सकती है, तो मैं तुम्हारे स्क्रीन पे दे रहा हूँ ये टेबल, ये टेबल में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब मैंशन है, इससे ही उठ के आएगी, तो ये टेबल एक बार पॉज करके रीड कर लेना। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि सुगर केन कंडीशन क्या है, ट्रॉपिकल हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए इरिगेशन के लिए, फिर अडेप्टेबल टू वेरियस सॉइल, कई सारी सॉइल्स चाहिए, फिर रिक्वायर्स मैनुअल लेबर, मैनुअल लेबर चाहिए, और टॉप स्टेट कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, शुरू के तीन याद रखा करो बस। देन आ जाते हैं नीचे, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, क्या है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस में क्या देखना है हमें, पढ़ो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनरल्स कैसे क्या है इंडिस्पेंसेबल पार्ट है हमारी जिंदगी का, कमेंट करो, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, छोटी सी पिन से लेकर के बड़ी सी बिल्डिंग, सब कुछ मिनरल से बना हुआ है, ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम मिनरल्स एंड रन ऑन पावर रिसोर्सेज डेराइव्ड फ्रॉम अर्थ। देखो जो ट्रांसपोर्ट है, बस, ट्रक, ट्रेन, ये सब मिनरल से बन रही है, मिनरल से मेटल बना, मेटल से ये सब बना, और जो बस, ट्रक, टेम्पो चल रही है ये सब किससे चल रही है, ये सब चल रही है अर्थ के अंदर से जो मिनरल्स निकल रहे हैं, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, उन्हीं के ऊपर, इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल, थर्ड ह्यूमन बींग्स हैव यूज मिनरल्स फॉर दियर लिवलीहुड, डेकोरेशंस, फेस्टिविटीज एंड इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन 93, क्या क्या हैजार्ड्स हैं, क्या क्या दिक्कत हैं माइनिंग के, तो देखो जो डस्ट और फ्यूम्स निकलते हैं अगर ये इनहेल कर लेते हैं बेचारे जो भी माइनर्स हैं हमारे, जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ फैक्ट्री वगैरह पे, तो ये पुलमोनरी डिजीजेस होती हैं, पुलमोनरी मतलब लंग रिलेटेड डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, जो माइन रूफ्स हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, इंडोनेशन हो जाता है, फायर लग जाती है कोल माइंस में, ये सब बहुत थ्रेट है, हमने रिसेंटली देखा कि कैसे कितने सारे वर्कर्स फंसे हुए थे एक जगह पे टनल में, है ना। थर्ड, द वाटर सोर्सेस इन द रीजन गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू माइनिंग, वाटर सोर्स कंटेमिनेट होता है और जब वो गंदा पानी पीते हैं तो उनको भी दिक्कत होती है, ठीक है। चलो 94, नॉन कन्वेंशनल सोर्स आर द बेस्ट ऑप्शन टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि अगर नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व करना है तो यूज करो NCR, अरे दिल्ली NCR नहीं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, ठीक है। क्या होता है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस, देखो अरे वो सारे रिसोर्सेस यार जो कन्वेंशनल नहीं है, जो पुराने जमाने के रिसोर्सेस नहीं है, नए रिसोर्सेस हैं, जैसे कि टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सन एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी, वो सब। अब क्यों है उसका रीजन देखो कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो दे आर इनएग्जॉस्टेबल एंड रिन्यूएबल, सबसे बड़ा रीजन कि ये इनएग्जॉस्टेबल है, खत्म नहीं होते और रिन्यू हो जाते हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड क्लीन सोर्सेज, क्लीन सोर्सेज है, पॉल्यूशन नहीं करते, कभी सुना है सोलर और विंड एनर्जी पॉल्यूशन कर रहे हैं, कभी नहीं होता, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, वही सारा चीज़ लिखा हुआ है, राइजिंग प्राइस बढ़ रहा है ऑयल और गैस का, तो इसलिए हमें यूज़ करना चाहिए, नेचुरल गैस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा टेक्नोलॉजी से यूज़ की जाए तो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। पॉज करके ये पढ़ सकते हो, ईजी आंसर है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे आ चुके हैं हम, अब इसमें पढ़ो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सुगर मिल्स क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, सुगर मिल्स शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पे, साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में इंडिया के जा रहे हैं, ठीक है, साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में क्यों, पहला क्योंकि केन प्रोड्यूस्ड हियर एज हाई सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होता है, दूसरा फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है, ठीक है, कूलर क्लाइमेट इंश्योर अ लॉन्गर ग्रोइंग एंड क्रशिंग सीजन, थर्ड द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट, इस स्टेट में कोऑपरेटिव सक्सेसफुल हैं और सुगर इंडस्ट्री यहाँ पे सस्टेन की जा सकती है, फिर फोर्थ ईल्ड पर हेक्टेयर इज हायर इन साउदर्न स्टेट्स, ठीक है, पॉज करके पढ़ लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटिव क्वेश्चन है, PYQ, जैसे एग्रीकल्चर कैसे बैकबोन है ये हमने देखा, वैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे बैकबोन है ये भी लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर की सारी चीजें, कौन बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम,
बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। अब कई लोग की जॉब फैक्ट्रीज वगैरह में जब लग गई गांव से, तो लोग इतने डिपेंडेंट नहीं रह रहे एग्रीकल्चर पे, तो जॉब प्रोवाइड कराता है। इट हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होती है, पॉवर्टी दूर होती है कंट्री से। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में जब फैक्ट्री वगैरह सेटअप होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं, तो रीजनल डिस्पैरिटीज हटती हैं। ठीक है, जैसे हम हमेशा बोलते रहते हैं कि यार एक रीजन कंट्री का, जैसे बिहार साइड है बहुत गरीब है, हमेशा हम इस तरह से उसको वो करते हैं प्रोटोटाइप। बट जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आएंगी, बड़ी बड़ी सर्विसेज आएंगी, तो वहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज जो हैं वो हटेंगी, है ना। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स। एक्सपोर्ट जब होता है इन्हीं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, तो ट्रेड और कॉमर्स बढ़ता है, कंट्री को फायदा होता है। क्वेश्चन 97, एक्सप्लेन विद एग्जांपल एनी फाइव फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब कहीं पे तुम्हें इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मान लो तुमने शार्क टैंक देख लिया और तुमको मैंने यहाँ पे फूड इंडस्ट्री सेटअप करने का, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने का, तो ये सारी चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल, कि वहां पे चीप एंड अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होनी चाहिए। लेबर वहां पे सस्ता मिलना चाहिए, जैसा नॉर्थ स्टेट्स में मिल जाता है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। इसीलिए कई कंपनीज इंडिया में आती है मैन्युफैक्चर करने, क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ता है, चाइना में लेबर सस्ता है। पावर का सप्लाई मिलना चाहिए, पावर कट नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा फोर्थ पॉइंट, कैपिटल यानी पैसा यहाँ पे होना चाहिए, एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। फिफ्थ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज, बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर करे और इजिली इंडस्ट्री सेटअप हो सके। फिर ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन 98, कि जूट इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड हुगली बेसिन। हुगली बेसिन के ही पास सारी जूट इंडस्ट्री क्यों है बताओ तो। पॉइंट नंबर वन, वेस्ट बंगाल इज द होम ऑफ जूट। ठीक है, वेस्ट बंगाल होम है जूट का। इट प्रोड्यूसेस हाईएस्ट नंबर ऑफ जूट फाइबर्स। एडजॉइनिंग रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, दस रॉ मटेरियल इजली अवेलेबल। तो इजली अवेलेबल है रॉ मटेरियल वहां पे, पहला पॉइंट जो हमने ऑलरेडी देख लिया फैक्ट्री सेटअप करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट, एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ जूट इज मेट थ्रू इंपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से इंपोर्ट कर लेते हैं, बगली में, और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है लोअर गंगा बेसिन का, जहां से चीप लेबर मिलता है और इंडस्ट्री को वाटर बहुत चाहिए होता है। और वाटर कहां से मिलता है, हुगली रिवर से। फिर कोलकाता हैज अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब कोलकाता वहां पे पड़ता है, एक सिटी है, मेट्रो सिटी, जिससे ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रू रिवर, कैनाल्स, वाटरवेज, रोडवेज, रेलवे सबसे। ठीक है, क्वेश्चन 99, चैलेंज क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कैसे हम इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सब लिख देना। ठीक है, ये बहुत 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 ईजी है कि यार क्या क्या रोकना होता है, कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट रोको, हॉट वाटर को ट्रीट करो, रिड्यूस करो पार्टिकुलेट मैटर, ऑयल और गैस के यूज करो कोल के जगह पे, है ना। फिर यही सारी चीजें, मशीन यूज कम करो और रीयूज और रिसाइकलिंग करो। फिर लास्ट 100th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री, गिव रीजन। ऐसे किसी भी इंडस्ट्री का पूछ सकता है, राइट। फोर रॉ मटेरियल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड द प्रोपोर्शन इन विच दे आर रिक्वायर्ड। नंबर वन, कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत हैवी और बल्की होता है, फिनिश्ड गुड्स भी हैवी बल्की होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा हैवी कॉस्ट होती है उसकी। आयरन और कोल लाइमस्टोन आर मेजर रॉ मटेरियल यूज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होता है, वही लिखा है। एफिशियंसी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज नीडेड, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, 4:2:1 के रेशियो में। कौन से रेशियो में, 4:2:1 के रेशियो में, आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन। और मैंगनीज भी रिक्वायर्ड होता है कुछ क्वांटिटी में, स्टील को हार्ड करने के काम आता है। ये हमने पढ़ लिया, 100 टॉप क्वेश्चंस कर दिए हैं भाई स्वाहा। इसके बाद ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट चाहिए, क्विज चाहिए, टाइम बेस्ड क्विज, सैंपल पेपर चाहिए, लेटेस्ट सैंपल पेपर, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। पढ़लक्ष्य ऐप पे इंस्टॉल करो, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज पढ़लक्ष्य.com पे चले जाओ वेबसाइट पे, और टेलीग्राम चैनल पढ़लक्ष्य ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशन छेड़ लो कि अगली वीडियोस मिस ना हो, वीडियो सब में शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगी है और यहां से पेपर लिटरली उठ के आएगा, दैट्स माय गारंटी। खुद आके कमेंट करोगे, गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, पेपर देने के बाद जरूर फिल करना और देन जाना, जा पढ़ ले।